कला एवं संस्कृति जो विषय वस्तु है आपकी, ये आपका सीधा सीधा किससे जुड़ती है? पेपर वन से जुड़ती है, जीएस के, है ना। प्रथम प्रश्न पत्र पे लिखा हुआ है कला एवं संस्कृति। आज मैं होलिस्टिक अप्रोच पे चर्चा करूँगा। कला एवं संस्कृति है क्या, पहले तो ये समझेंगे। संस्कृति किसे कहते हैं, सभ्यता किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, और इसके बाद पूरे सिलेबस को समझाने का प्रयास करूँगा। विषय वस्तु थोड़ा बड़ा है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है सिलेबस। अब थोड़ा सा सिलेबस में इसे देख लेते हैं और क्या इसका महत्व है, कितने क्वेश्चन आते हैं, इतिहास में क्या महत्व है और क्यों क्वेश्चन लगातार अब पूछे जा रहे हैं। पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। देखो, यूपीएससी अपना ट्रेंड चेंज करता है, यूपीएससी के देखा देखी में पीसीएस भी ट्रेंड चेंज करते हैं। क्यों ट्रेंड चेंज करता है यूपीएससी? अभी तक क्या था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, 2013 तक के क्वेश्चंस देखेंगे तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम से लगातार क्वेश्चन पूछे गए, खूब बिकी बिपिन चंद्रा की किताबें। लेकिन 2013 के बाद जब सिलेबस चेंज हुआ तो यूपीएससी ने एप्लीकेशन सेक्शन पे अब क्यों कला एवं संस्कृति को उसने तवज्जो दी। कारण क्या था कि जो नई एनसीईआरटी आई, न्यू एनसीईआरटी निकल के आई, नई एनसीईआरटी पढ़ी है किसी ने? क्लास 11 12th में है हिस्ट्री की नई एनसीईआरटी, उसमें इतिहास का दृष्टिकोण ही अलग है, एक नए प्रस्पेक्टिव से हिस्ट्री लिखी गई है, वो है कला, आर्ट एंड कल्चर। उसमें आपको लड़ाइयाँ नहीं मिलेंगी, झगड़े नहीं मिलेंगे, इतिहास पढ़ने का एक नया नज़रिया मिलेगा और वो नज़रिया है आर्ट एंड कल्चर, जो वर्तमान में जिंदा है। संस्कृति एक ऐसा तत्व होता है जो आज भी जिंदा है, आज भी हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, पुरानी चीज़ें आज भी हमारे अंदर हैं। तो अभी संस्कृति पे तो मैं चर्चा करूँगा, वो एक अलग विषय वस्तु है। तो यूपीएससी ने व्यवहारिक धरातल पर, चूंकि 2013 के बाद पूरा सिलेबस उन्होंने व्यवहारिक कर दिया, एप्लीकेशन सेक्शन पर ले आए, तो उन्होंने क्या किया, पूरा बेल्ट ही चेंज कर दिया। उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट से ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन वही नाम, वही चीज़ें, 70 साल से एक ही चीज़ बार बार रिपीटेशन हो रही है, तो उन्होंने उस बेल्ट को ख़त्म करके आर्ट एंड कल्चर में शिफ्टिंग की। आज के समय पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे वो आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाएंगे। पीटी में तो कुछ खास नहीं लिखा हुआ, पीटी में सिर्फ भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संघर्ष ऐसे करके लिखा हुआ है। तो प्रीलिम्स में तो नेशनल मूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन मेंस में इन्होंने साफ साफ 2013 में जब सिलेबस बदला तो सिलेबस में इन्होंने मेंस में पहले पेपर में लिख दिया भारतीय विरासत और संस्कृति, ये इन्होंने इसका टाइटल दिया। और इन्होंने कहा कि आपको प्राचीन भारत से लेके अब तक पूरा आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, ये सिलेबस में इन्होंने लिखा है, ठीक है। आयोग के सिलेबस में जो आपका पहला प्रश्न पत्र है उसमें स्पष्ट शब्दों में ऊपर लिखा हुआ है भारतीय विरासत और संस्कृति। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, आर्ट्स के, आर्ट कितने प्रकार की होती है ये भी मैं आज सारी चीज़ें चर्चा करूँगा, कला के रूप, साहित्य के रूप, वास्तुकला के सभी के मुख्य पहलू शामिल होने चाहिए। अब ये बहुत छोटे में शॉर्टकट में इन्होंने समझा दिए कहानी, शॉर्टकट नहीं है भाई इसका, ये बहुत डिटेलिंग है। अब मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। लगभग लगभग मैं अभी से अवधि बता दूं तो लगभग लगभग ये 1.5 महीने तक मुझे पढ़ाने में समय लगेगा, लेकिन 1.5 महीने में आपका हो सकता है कि पूरा इतिहास भी हो जाए, इतिहास का कोई पक्ष बचे ही ना, सिर्फ लड़ाइयाँ बचेंगी, राजनीतिक इतिहास बचेगा, क्योंकि संस्कृति का एक हिस्सा समाज होता है, तो मैं उसे भी लेके चलूँगा, तो कोई पहलू आपका बचेगा नहीं। 1.5 महीने में मान सकते हैं कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक में इतिहास का एक पूरा सिनेरियो जान जाएंगे आप, इतने व्यापक तरीके से इसको मैं लेके चलूँगा। इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तीन कारणों से इम्पॉर्टेंट। एक तो पलटियन जो आपका टॉपिक है उसमें कल्चर का एक बड़ा हिस्सा जुड़ता है, ठीक है, इसलिए इसको महत्व देना ज़रूरी है और महत्व दिया जा रहा है। आप लोगों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग लगभग ये मान चलिए कि यदि इस टॉपिक को पढ़ लिया तो 100 नंबर आ सकते हैं आपके। 100 नंबर कहाँ कहाँ से, 100 से 150 नंबर आप ला सकते हो। एक तो 70 नंबर इतिहास में आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं कल्चर से। दूसरा, ऐसे का एक पूरा टॉपिक आपको मिल सकता है जो कि लगभग लगभग अपने आप में 70 से 80 नंबर का पूरा सिनेरियो क्रिएट करेगा, ऐसे में आएगा। पीटी में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आपको देखने भी चाहिए, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आज आपसे डिस्कस भी करूंगा जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक। अब ये क्या कर रहे हैं, यूपीएससी क्या कर रहा है, अब इतिहास को करंट से जोड़ रहा है, इतिहास को नहीं चाह रहा है कि इतिहास को वही पढ़ें हम, जो आप लोग कहते हैं ना कि तिथियां रटनी है, ये करना वो करना है, अब वो ये नहीं चाह रहा, वो चाह रहा है कि इतिहास को करंट से जोड़ें। करंट से जोड़ने का मतलब है आर्ट एंड कल्चर से जोड़ें, संस्कृति से जोड़ें। जैसे कि
सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान से कैसे जोड़ा जा सकता है, तो हमें दिखाई दिया सिंधु घाटी सभ्यता में संस्कृति कैसी थी, उसकी कल्चर कैसा था, पता चला वहाँ नगरीय नियोजन था, शहरीकरण था, भारत का पहला शहरी सभ्यता थी, तो उसको वर्तमान से कैसे जोड़ दिया जाए, है ना, तो उससे लिंक करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर बौद्धिज्म से पूछ रहे हैं, तो बौद्धिज्म से भी ऐसा नहीं पूछ रहे कि बौद्ध धर्म क्या है, क्या महत्व है, ये सब नहीं पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि बौद्धिज्म की ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है, तो ऐसी चीज़ें पूछ रहे हैं। या फिर बौद्धिज्म से जुड़े हुए जो स्तूप हैं, स्तूप के अलावा कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे स्तूप हैं, अमरावती स्तूप कैसे हैं, है ना, अशोका के द्वारा कहाँ कहाँ पे स्तूप बनाए गए, उस समय गुफाओं का एक बहुत बड़ा कल्चर था भारत में, है ना, अशोका के टाइम से मौर्यन काल से गुफाओं का निर्माण शुरू किया गया। बौद्ध जो बौद्ध भिक्षु होते थे, भिक्षुओं का काम होता था कि वर्ष के चार महीने छोड़कर, बरसात के चार महीने छोड़कर पूरे भारत में भ्रमण करते रहना धर्म प्रचार के लिए, भारत नहीं वरन विश्व में भी। तो जब वो चार महीने रुकने के लिए उनको गुफाएं बनाई गईं, जिन्हें बिहार कहा जाता है, निवास करने का स्थान। तो ये सब चीज़ें जो पूरा सिनेरियो है मैं समझाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले क्लास चूँकि शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप कितना इस विषय में जानते हैं, संस्कृति कहते किसे हैं। आप लोग आमतौर पर ये शब्द हम प्रयोग करते रहते हैं कि कल्चर ऐसा है, कल्चर वैसा है, बताइए भाई कल्चर कैसा है, कल्चर कहते हैं, संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है, दोनों में क्या अंतर हो सकता है? हाँ, सभ्यता जो होती है वो हमारे रहन सहन, बाहरी चीजों से ताल्लुक, सभ्यता जो होती है रहन सहन, खान पान और बाहरी चीजों से ताल्लुक है, बाहरी आवरण का नाम सभ्यता है, ठीक है। आंतरिक कैसे, क्या क्या, इंसान का व्यवहार काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ठीक हैं, कुछ ठीक हैं, बाकी हाँ, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए आप, एग्जांपल देना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ संस्कृति की माप नहीं की जा सकती, ठीक, हाँ अच्छा, हाँ संस्कृति निरंतर भी रहती है, सभ्यता खत्म हो जाती है, मिट जाती है, विनाश हो जाता है उसका, ठीक है। और कोई, हाँ पढ़ के आए हैं अब लोग, ये बात ना पड़ेगा, पढ़ के आए हैं, अच्छा अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबका सही है देखो, लेकिन मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। आज मुझे आप देख रहे हो, ठीक है, आके खड़ा हो गया, सभ्य लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, है ना, सभ्य मतलब जो दिखाई दे, बाह्य आवरण। जैसे कि मैं बहुत आसान भाषा में बताऊँ, कंप्यूटर रहता है, कंप्यूटर में दो सेक्शन है, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, है ना, जो हार्डवेयर यानी जो दिखाई दे आपको वो है सभ्यता, ठीक है, जो कि समय के साथ विनाशित हो सकती है, समय के साथ विनाशवान हो सकती है। जैसे सिंधु घाटी, अब जैसे मंदिर है, मंदिर बाहर से दिखाई दे रहा है आपको, मूर्त रूप में दिखाई दे रहा है, उसकी एक मूर्त है, बाहर से देख रहे हैं ये ऐसे ऐसे करके बना है, ये तरीका है, वो सभ्यता का प्रतीक है। जो आज प्राचीन काल की बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, अशोक के स्तंभ दिखाई देते हैं, शिलालेख दिखाई देते हैं, जो दिखाई देता है ये सभ्यता का प्रतीक है। सभ्यता जरूरी नहीं कि विनाशित ही हो जाए, सभ्यता के कुछ अंश निरंतर भी रह सकते हैं। संस्कृति क्या है, संस्कृति आंतरिक पक्ष है, अंदर की चीज़ें हमारी, है ना, जो आपने कहा कि खान पान, रहन सहन, या फिर हमारा बिहेवियर, हमारा कल्चर, हमारी मान्यताएं, हमारे जीवन जीने का तरीका, जैसे कि हर पर्सन का आप में से देख रहे हैं, जैसे कि मैं पैदा हुआ, पैदा होते ही मुझे एक संस्कृति दे दी गई, एक संस्कृति में बांध दिया गया। अब संस्कृति के क्या क्या चीज़ें बांधी गई मुझे, पहले तो एक धर्म से बांध दिया गया, मुझे एक धर्म का नाम दे दिया गया, ये भी संस्कृति का हिस्सा, यानी धर्म संस्कृति का एक हिस्सा है, है ना। इसके बाद मुझे एक सामाजिक जीवन दे दिया गया कि भाई तुम्हें ऐसे रहना है। जैसे मैं आपको बताऊं, आदिवासी हैं, आदिवासियों का रहन सहन अलग तरीके का है, वो वस्त्रविहीन जीवन अभी भी जी रहे हैं, है ना। हम जब पैदा हुए तो हमें ढक दिया गया,
हमें बता दिया गया कि ये सभ्यता, ये संस्कृति का, हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो संस्कृति में ही रहन सहन आता है, संस्कृति में ही आपका खान पान आता है, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। जैसे चाइना की संस्कृति अलग है, भारत की संस्कृति अलग है, अमेरिकन संस्कृति अलग है, वहाँ के खान पान अलग है, वहाँ पे ऐसी जलवायु भी संस्कृति को निर्धारित करती है। जलवायु आपके खान पान को निर्धारित करती है, जिस जलवायु में जाएंगे वैसे ही आपका भोजन बदल जाएगा, है ना। पश्चिमी सभ्यता में जाइए, वहाँ पे नॉनवेज बहुत पसंद करते हैं, मांसाहार खाते हैं। भारतीय संस्कृति में आइए, चूंकि ये ऐसी जलवायु वाली संस्कृति है कि भाई गर्म जलवायु की संस्कृति है, तो गर्म चीज़ तो नहीं खा सकते ना हम, तो हमारी संस्कृति हमें ठंडी चीज़ें खाने का, जो कि वेजिटेरियन ही होता है आम तौर पे। तो संस्कृति में बहुत चीज़ें होती हैं, खान पान भी इसका एक पक्ष है, रहन सहन भी इसका पक्ष है, आपके जीवन जीने का तरीका आपका एक पक्ष है। तो संस्कृति में ऐसे पक्ष हैं जो कि निरंतर बने रहते हैं। जब मैं, मेरी अगली पीढ़ी आएगी तो मैं अपने सारे तत्वों को हस्तांतरित कर दूंगा, उसके ऊपर लाद दूंगा। ये है संस्कृति सिंपल और आसान भाषा में, ठीक है। संस्कृति निरंतर होती है, संस्कृति को बदलने में बहुत समय लग जाता है, संस्कृति में लोचशीलता कम होती है। सभ्यता क्या होती है, समय के साथ सभ्यता पर्यावरण नष्ट हो सकता है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी सभ्यता थी, शहर में लोग रहते थे, ज़्यादातर कृषि कार्य से जुड़े जरूर थे लेकिन व्यापार धंधा भी करते थे। लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद वैदिक सभ्यता आई, पूरी सभ्यता चेंज हो गई, शहरी सभ्यता की जगह ग्रामीण सभ्यता हो गई, है ना, पशुपालक समाज हो गया, कृषि और व्यापार की जगह वो पशुपालक बन गए। तो सभ्यता जो बाहर से दिखाई दे, बाहरी रूप, संस्कृति जो अंदर का पक्ष है उसे संस्कृति का, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, तो आपको देख रहा हूँ बाहर से तो ठीक है आप सभ्य दिख रहे हैं, लेकिन आपकी संस्कृति सभ्य है कि नहीं, जब आप मुंह बोलोगे आपकी भाषा, उससे पता चलेगा कि आपकी संस्कृति क्या है, आपके काम करने का तरीका, आपका बिहेवियर, आपकी शालीनता, समझ रहे हैं, ये सारे पक्ष संस्कृति के होते हैं। तो सभ्यता और संस्कृति क्या है, किसी को कोई डाउट है ना। सभ्यता बाह्य आवरण है और संस्कृति आंतरिक पक्ष है, बिल्कुल सब लोगों ने सही बोला लगभग लगभग। अब मैं संस्कृति का पक्ष है वो, जैसे कि उस समय हम पाशुपति शिव की पूजा ऐसा प्रमाण मिले हैं, आज भी करते हैं, आज भी ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं। संस्कृति हस्तांतरित होते रहती है, और संस्कृति एक चीज़ और है, संस्कृति में ये लोचशीलता भी होती है कि हम किसी दूसरी संस्कृति को ऑब्जर्व भी कर लें। जैसे कि जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ तो इंडो इस्लामिक संस्कृति का जन्म हुआ। हमने घर बनाने के तरीकों में, जैसे हमारे घर बने पहले, जैसे टाइल्स वगैरह लगाना, ये हम लोगों ने खुद से, भारत में नहीं होता था। जब यहाँ पे इस्लाम आया तो इस्लाम के आने के कारण से पहले हमारे यहाँ पे मेहराबदार घर बनते थे, आज भी मेहराब बनते हैं घरों में, आप देखते हैं ना मेहराब लगे हो दरवाजे के साथ, बगल में दरवाजे के ऊपर एक मेहराब होता है ना। और जब इस्लाम का आगमन हुआ तो मेहराब के आकार में परिवर्तन हो गया। पहले एक मेहराब कैसे थे, मेरे पास मार्कर का अभाव है, ठीक है मैं मंगवाता हूँ। चलिए मैं हर एक चीज़ को आपको बड़ा व्यवहारिक तौर पे हर चीज़ बनाता हुआ, इसमें डायग्राम्स बहुत बनाने होंगे। जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना आप डायग्राम्स के बिना नहीं पढ़ते, वैसे कल्चर को भी बिना डायग्राम के नहीं पढ़ना है। अब मैं सबसे पहले आपको, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है पिछले साल के, मैं चाहता हूँ कि डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों ये आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको पिछले साल के सभी क्वेश्चन जो है एक एक करके दिखाता हूँ। एक तो क्वेश्चंस मैं पूरा 2013 से लेते हैं, 13 से अब तक के क्वेश्चन देखते हैं, धर्म से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, धर्म वाले विषय से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका है कि बुद्ध के जीवन का जो निवास स्थान है या बौद्धिज्म, बहुत धर्म से बहुत क्वेश्चन आए हैं। अब इसमें धर्म में हिंदूवाद है आपका, हिंदू एक धर्म है, अब हिंदूवाद क्या है इसको बड़े अच्छे से समझेंगे। हिंदू धर्म था भी कि नहीं भी था, या हिंदू एक बहुत सारे धर्मों का मिला जुला सम्मिश्रण है, हिंदू कोई एक धर्म है या बहुत सारे धर्म है, इसका दर्शन क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो धर्म में आपका हिंदूवाद है और वैदिक संस्कृति जिसको आप बोलते हैं ना, वेदों का जो एक जीवन पद्धति रही है वो हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे, हिंदूवाद प्लस वैदिक संस्कृति। इसके बाद जो है इसी के साथ, चूंकि धर्म टॉपिक है, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जितने अन्य धर्म हैं, चाहे ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सारे धर्मों को हम इसमें एक परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। इसी में मैं दो चीज़ें और पढ़ूंगा, भक्ति आंदोलन और सूफीवाद, ठीक, ये भी धर्म का ही एक पहलू निकल के आते हैं, ये दोनों पक्षों को भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसके बाद भारत में, प्राचीन भारत में स्थापत्य कैसा रहा, स्थापत्य को वास्तुकला क्या है, वास्तुकला के बारे में बताओ कोई, वास्तुकला किसे कहते हैं,
वास्तुकला, हाँ, भवन बनाने की कला, भवन बनाने की कला वास्तुकला कहलाती है। और नहीं, गलत नहीं है आप। वास्तुकला क्या है? जिसके लिए विभिन्न सामग्री, सीमेंट, कंकड़, पत्थर, हाँ, ईंटा, वो मार्कर, मार्कर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वास्तुकला कोई एक पक्ष नहीं है, एक चीज़ नहीं है। वास्तुकला को हम स्थापत्य से ज़रूर जोड़ते हैं। स्थापत्य मतलब कोई, जैसे अब यही घर बना है जिस पे आप बैठे हुए हो, ये कैसे बना हुआ है, कहाँ पे बीम पड़ी हुई है, कहाँ पे लेंटर पड़ा हुआ है, सबका एक तरीका है, एक पद्धति है। मंदिर बना है तो मंदिर कैसे बना हुआ है, कहाँ पर कलश है, कहाँ पर आमलक है, कहाँ पर मंडप है, कहाँ पर अर्धमंडप है, है ना। या फिर साउथ इंडिया में द्रविड़ कला शैली पर जाएंगे कि वहाँ पर मंदिरों का स्थापत्य कैसा है, ये तो एक पक्ष हो गया। इसी के साथ साथ वास्तुकला का ही एक पक्ष होता है शिल्पकला। शिल्पकला मतलब जैसे मान लो, एक तो ये है कि यहाँ पर बहुत सारे ईंटों को रखा गया, एक ईंट के ऊपर एक ईंट और इसके ऊपर लेंटर डाला गया, छत बनाई गई, कि स्थापत्य बना दिया गया। एक होता कि सिर्फ एक ईंट मैंने ली और उसको ही मैंने कुछ ऐसा नकार दिया कि वो एक मूरत बन गई, या फिर उसमें मैंने कुछ चित्रकारी कर दी। शिल्पकला का मतलब एक पत्थर के ऊपर ही नक्काशी करना, ये भी एक वास्तुकला का ही के साथ ही जुड़ा हुआ है ना। मूर्ति कला, शिल्प कला, वास्तु कला, ये सब एक दूसरे से जुड़ाव रखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा। तो प्राचीन काल में, अब जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ पे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो वास्तुकला के प्रतीक हैं, जैसे कि एक बड़ा स्नानागार, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं देखेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पर प्राचीन भारत से लेकर अब तक के सारे वास्तुकला स्थापत्य पढ़ाऊंगा। अब तक के पढ़ाने का मतलब समझ रहे हैं, काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। इसके बाद प्राचीन भारत से अब तक का साहित्य पढ़ना है हमें, संगीत पढ़ने हैं, नृत्य पढ़ना है, कला पढ़ना है। नृत्य में दो प्रकार के नृत्य पढ़ेंगे, लोक नृत्य अलग पढ़ेंगे, शास्त्रीय नृत्य अलग पढ़ेंगे। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं बताइए, कोई कौन कौन से बताइए। शास्त्रीय नृत्य सारे गाँव पाए शास्त्रीय नृत्य, हाँ, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, कथकली, यूपी का कौन सा अपने कथक, ओडिसी, है ना, ऐसे जितने भी हैं सारा कुछ एक एक करके ये भी देखेंगे। और एक तांडव और लाश्य, इनके बारे में भी समझेंगे। तांडव भगवान शिव की एक मुद्रा है जिसमें वो रौद्र रूप दिखाते हैं, देखा होगा आपने। एक दो हैं, एक चोल काल की आपको नटराज की मूर्ति मिलेगी, नटराज की मूर्ति में भगवान शिव जो है तांडव की मुद्रा में, उसमें देखते हैं कि चारों तरफ से एक चक्र बना होता है जिसमें आग की ज्वालाएं निकल रही होती है, है ना। भगवान शिव के एक हाथ में त्रिशूल रहता है, एक में डमरू है, एक में हाथ है ना। तो उसमें जितने हाथ हैं सबका कुछ मीनिंग है, सांप है तो उसका भी कुछ मीनिंग है। नीचे कोई एक व्यक्ति होता है जो उनके पाँव के नीचे होता है, कभी आप सही से उसे देखें तो सारी चीज़ें मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आपको, ठीक है, वो भी सारे पक्ष हो जाएंगे। इसके बाद भक्ति आंदोलन और सूफीवाद, इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मध्यकाल में हिंदू मुस्लिम दो वर्गों में विभाजित हो चुका था समाज, और दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम किसने किया, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के संतों ने किया, ठीक है। सूफीवाद ईरान से आया भारत में, और इसमें बहुत सारे शासक थे जो सूफीवाद से प्रभावित भी हुए, और इसके बाद जो है उसी समय भक्ति आंदोलन के भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि उसी समय कृष्ण प्रेम मार्गी, राम प्रेम मार्गी, सगुण भक्तिधारा, निर्गुण भक्तिधारा, है ना, उसमें प्रेमस रही, कृष्णस रही, ऐसे करके बहुत सारी धाराएं बनी हैं, वो सब मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर निकल के आ रहा है वो है मध्यकालीन भारत में बहुत सारे किला बने हैं, है ना। किला ऐसा नहीं कि प्राचीन काल में भी नहीं थे, लेकिन वो किले के रूप में दिखाई नहीं देते। जैसे अभी हम मौर्य काल में देखें तो मौर्य काल में जो अशोका के टाइम पीरियड का स्कल्पचर है वो अभी भी देखने को मिला है। कुम्भरहार है बिहार में एक जगह, वहाँ पर एक लकड़ियों का महल निकला है। पहले देखो क्या था ना, जो चीज़ें पत्थर की हैं वो आज भी जिंदा हैं, लेकिन पहले की चीज़ें ज़्यादा हमें मिली नहीं है। यदि लकड़ी से बनी हुई कोई चीज़ है तो कितनी उम्र होगी उसकी, है ना, ख़त्म हो जाएगी बहुत कम समय में, वो जिंदा थोड़ो ना रहेगी बहुत ज़्यादा। अब लाल किला है या फिर आगरा में जितनी इमारतें बनी सब पत्थरों से बनी है, लाल बलुआ पत्थर से या संगमरमर से इनको डिजाइन किया गया है। तो इन सबको एक एक करके समझेंगे, पूरे भारत के बड़े बड़े जहाँ जहाँ पर किले हैं उनका स्कल्पचर कैसा है, कैसे बनाया गया है। निश्चित तौर पर यदि मैं ये आपको पढ़ा दूंगा, इसके बाद जब आप पलटन करने गुजरेंगे तो आपको हर चीज़ देख करके कुछ अजीब लगेगा। आप ताजमहल में भी खड़े होंगे तो आप 50 चीज़ें देख पा रहे होंगे उसकी,
आपको दिख रहा होगा कि जालियों वाली नक्काशी कहाँ पर है, कहाँ पर पिट्रा डूरा है ना, कहाँ पे डोम है, कहाँ पे डबल डोम है, कैसे मीनारें बनी हुई हैं, मीनारों का स्कल्पचर कैसा है, कहाँ पे इंडो इस्लामिक है, कहाँ पर केवल हिंदू है, कहाँ पर केवल इस्लामिक है, बहुत सारे पक्ष हैं। ठीक है, तो इन सब विषयों पर भी आप जान पाएंगे। अब क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे देखो, अब जैसे क्वेश्चन की बात करूँ तो कुचिपुड़ी से आ चुका है, भरतनाट्यम से आ चुका है, सूफीवाद की परंपराएं और विशेषताओं से आ चुका है, मंदिर वास्तुकला में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, जैसे नागर द्रविड़ और बेसर शैली, इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। लेकिन अब इसे प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान तरीके से पूरे इतिहास का विवरण देता हूँ, कम समय पूरा इतिहास दिखाने का प्रयास करता हूँ। इतिहास देख लेंगे तो बाद में जोड़ने में आसानी होगी। ठीक है, बिल्कुल बिगिनिंग से मैं आपको इतिहास का एक यहाँ पे ग्राफिंग करूँगा, मैं चाहता हूँ आप लोग भी बना लें ताकि उसका बेनिफिट आपको मिले। ठीक, बिल्कुल बिगिनिंग से चलते हैं। बिगिनिंग का मतलब जब मानवीय सभ्यता का उदय हुआ होगा, जब पहले पृथ्वी बनी है ना, पृथ्वी के बाद जीव जंतु आए, कीड़े मकोड़े आए, डायनासोर पहले आ गए थे हमसे पहले, हम बाद में आए, डायनासोर गए तब हम आए। डायनासोर के समय पे मैमल्स आ चुके थे, ऐसा नहीं था, लेकिन चूंकि इतने विशालकाय जानवर, इतने विशाल मानव नहीं आया था, मैमल्स आ स्तनधारी आ चुके थे, इतने विशालकाय जानवर थे, इनके कारण मैमल्स जो है ज़मीन पे नहीं आए, पेड़ों पे रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ज़मीन पे आएंगे तो इनका भोजन बन जाएंगे। लेकिन जब उल्कापात हुआ या किसी कारण से डायनासोर ख़त्म हो गए, उसके बाद मैमल्स ज़मीन पर आ गए, स्तनधारी ज़मीन पर आ गए, और उसके बाद धीरे 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 स्तनधारियों में एक मानव का उद्भव हुआ। प्रारंभ यदि देखा जाए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तो बहुत सारे मतभेद हैं, ठीक है, मानव के उदय को लेकर के। सबसे पहले तो बात यही की जाती है कि अफ्रीका में मानव हुआ, अफ्रीका के बाद जो है जो प्लेटें आपस में जुड़ी हुई थी उसी दौरान ही उसका पलायन शुरू होता है, और भारत में भी अफ्रीका से ही मानव आता है ना, जो आपका विश्वतीय सदाबहार वनस्पति क्षेत्र है वहीं से मानव का उद्भव होता है, यानी कि हमारे सबसे पुराने पूर्वज अफ्रीका में रहते हैं, आज भी रहते हैं, है ना, अफ्रीका में आज भी देखा जाए तो वो संस्कृति देखने को मिल जाती है। चलो ये अलग पक्ष है, मैं एक एक करके आपको दिखाता जाता हूँ। देखो एक समय ऐसा था जिस समय में मानव जो है जंगलों में रहता था, सभ्यता का उदय नहीं हुआ था, उसे आप जानते हो पूरा पाषाण काल से, यानी स्टोन एज के नाम से जानते हो, पाषाण काल लिख लेते हैं आप इसको, पाषाण काल के नाम से इसे लिख सकते हैं आप। पाषाण काल की अवधि बहुत बड़ी है ना, इस अवधि में मानव अपने आप को मैच्योर अवस्था में, आज जो हमें देख रहे हैं ये जो बाल हमारे कम हो गए, चेहरे में बाल नहीं है, है ना, या फिर मैं सीधा रीढ़ की हड्डी मेरी सीधी खड़ी हुई है, या फिर मैं चल पा रहा हूँ या बोल पा रहा हूँ, या मेरे मस्तिष्क का जो विकास हुआ, ये सब इसी अवधि में पाषाण काल में ही काफ़ी समय लगा, उस अवधि में हुआ। इस अवधि का टाइम ड्यूरेशन देखा जाए तो काफ़ी लंबा था, 20 लाख BC से ये प्रारंभ मान के चलिए, ये लगभग आपका पूरा टाइम पीरियड 4000 BC तक चला, बड़ी मैच्योर अवस्था है ये। 4000 BC में नवपाषाण क्रांति होती है, मानव जो है स्थायित्व, तो अब नवपाषाण क्रांति का ये सब भी समझाना शुरू करूँगा, यानी पहला मानव जो देखा गया वो 20 लाख BC के टाइम पे देखा गया, भारत में जो पहला मानव देखा गया कब देखा गया, आज नहीं, 20 लाख BC पहले पहला मानव देखा गया, और वो मानव ऐसा था जो पेड़ों में रहता था, जंगलों में अभी ज़मीन पे नहीं आया था, नाम है इनके रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऐसे करके नाम है इनके, है ना, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जो है मानव पेड़ों से उतर करके ज़मीन पे आ गया, है ना, और 40000 BC आधुनिक मानव का जन्म हुआ। 20 लाख BC है, इसी अवधि के बीच में ही 40000 BC में एक मानव का जन्म हुआ जिसका नाम था आधुनिक मानव, इंग्लिश में इसको आप बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम इसका होमो सेपियन, आधुनिक मानव आपका इस समय देखने को मिलता है। ठीक, अब देखो ये बड़ी अवधि है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इसे पाषाण काल कहा जाता है, पत्थर का काल। पत्थर का काल क्यों बोलते हैं, मानव का जीवन पत्थरों पर ही आश्रित था, है ना, मानव पत्थरों पे अपना जीवन यापन करता था, पत्थरों की गुफाओं में रहता था, पत्थर से शिकार करता था, पत्थर से ही आग जलाता था, यानी पत्थर ही उसके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, यदि पत्थर नहीं होता तो शायद वो संभव नहीं रहता। तो पत्थर के औजारों का प्रयोग, सबका प्रयोग, तो पाषाण काल को कई भागों में बांटते हैं, पाषाण काल एक बड़ी अवधि है, इसको तीन भागों में बांटते हैं हम, पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है आपका नवपाषाण काल। ये तीन पाषाण काल में तीन सेक्शन आपको निकल के आते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल।
पुरापाषाण की अवधि काफ़ी लंबी है, बहुत लंबा है पुरापाषाण काल। कब से कब तक? 20 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। बीसी एडी में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, बीसी क्या है एडी क्या है, है ना। बीसी है बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले का समय, और ईसा के बाद के समय को एनोडोमनी या आफ्टर डेथ क्राइस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। वो अलग इशू है, मैं बता दूंगा ज़्यादा, कोई किसी को दिक्कत हो तो मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। पूरा पाषाण काल ये अवधि आपकी 20 लाख बीसी से लेकर कब तक रहती है, 10,000 बीसी की, ठीक है। 10,000 बीसी से 4,000 बीसी के आसपास आपका मध्य पाषाण काल रहता है। अंतर क्या है दोनों में, पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल में? पत्थरों के औजारों के प्रयोग को लेकर। यहाँ पे मानो बड़े पत्थरों का प्रयोग करता है, यहाँ पर मानो छोटे छोटे माइक्रोलिथ पत्थर का प्रयोग करना शुरू कर देता है ना, ब्लेड का प्रयोग करना शुरू कर देता है, स्क्रैपर का प्रयोग करना शुरू कर देता है, फलक का प्रयोग करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे बस पत्थरों का बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। चौथे यहाँ पर बड़े पत्थर है, यहाँ पर छोटे पत्थर है। यहाँ पर पत्थर नुकीले और धारदार है, यहाँ पर पत्थर भद्दे हैं, बेडाउल हैं, है ना। हैंडएक्स का प्रयोग करता है, हाथ की कुलाड़ी का प्रयोग करता है। तो इसका और दोनों काल में बहुत अंतर है, पुरापाषाण काल और मध्यकाल में अमूल चूल अंतर है, ठीक। इसके बाद जो है नवपाषाण काल, यहाँ पे क्रांति से नवपाषाण कालीन क्रांति भी कहते हैं। क्रांति क्यों कहते हैं, हाँ क्या हो गया, कृषि का आविष्कार ने क्रांति को जन्म दे दिया। अब कृषि का आविष्कार वर्सेस क्रांति, दोनों में क्या अंतर है, क्यों कृषि के आविष्कार को क्रांति के रूप में जानते हैं? अभी तक मानव जंगलों में रह रहा था या यावरी जीवन जी रहा था, खाद्य आखेटक जीवन जी रहा था, इधर उधर घूम रहा था, कोई परिवार की संकल्पना नहीं थी, कोई समाज की संकल्पना नहीं थी, है ना। कृषि के आविष्कार ने उसको भोजन की खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित करा दिया। कृषि की आपूर्ति ने खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करा दिया, और यहाँ से मानो एक जगह पर रहना शुरू कर दिया, एक जगह पर रहना शुरू किया, बस्तियाँ बसने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ, परिवार का जन्म हुआ, परिवार की संकल्पना का जन्म हुआ। तो क्या हुआ, आगे चल के समाज की संकल्पना का जन्म हुआ, तो आगे चल के राज्य की संकल्पना का जन्म हुआ, और राज्य की संकल्पना के जन्म ने सभ्यता का विकास कर दिया। तो नवपाषाण क्रांति नाम इसलिए जानते क्योंकि यहाँ से मानव के जीवन में आधारभूत परिवर्तन आ गए, उसके जीवन जीने का तरीका आ गया, एक सोसाइटी में रहना प्रारंभ कर दिया। तो ये पूरी अवधि तीन फेज में पाषाण काल को आप बांटते हो, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। कोई दिक्कत, हाँ 20 लाख से 10,000, 10,000 से 4,000, 4,000 से 2,500, उसी का हिस्सा नव पाषाण का हिस्सा फिर सिंधु घाटी सभ्यता और ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो 2,500 तक ही इसे रखिए नव पाषाण काल को, नव पाषाण में ही आगे फिर सिंधु घाटी सभ्यता ये सारी कुछ आनी शुरू हो जाएंगी। मैंने इसलिए इसे 2,500 कहा है क्योंकि इसके बाद सभ्यता का काल चालू हो जाएगा, है ना, इसके बाद सभ्यता का काल चालू हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि पूरा पाषाण काल की अवधि बहुत ज़्यादा है, 20 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी, इसलिए इसको भी तीन भागों में बांट दिया गया है, पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांट दिया गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इतनी ज़्यादा ब्रॉड स्केल में, और ज़्यादा जूम करेंगे तो हम ये पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बेसिक डिफरेंसेस भी उन्हीं सब चीज़ों के हैं, बहुत ज़्यादा जो नहीं, जब इतिहास पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर सारे विषय आते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये पाषाण काल एक बड़ी अवधि, हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर बीता, इस समय पर बीता। इसके बाद सभ्यता की कहानी चालू होती है, सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक सभ्यता आती है। देखो क्या था ना, 1921 तक तो कुछ नहीं पता था कि कुछ था भी, 1921 तक ये माना जाता था कि भारत में वैदिक सभ्यता है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा हमेशा ये कहा गया कि वैदिक सभ्यता आपकी बसाई हुई सभ्यता नहीं है, वैदिक सभ्यता पे आप गर्व नहीं कर सकते हैं, वैदिक सभ्यता तो हमारी बसाई हुई सभ्यता है, हम आए थे मध्य एशिया से, हम आए थे भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। तो हमेशा भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाया गया, कब, 1921 तक इतिहासकारों ने खूब जम के भारतीय संस्कृति को लिखा कि ये तो हमारी ही देन है, आपने कुछ नहीं किया इस संस्कृति में, आपके कोई तत्व इनपुट्स नहीं है। लेकिन 1921 में जब दयाराम साहनी, राखल दास मुखर्जी, सर जॉन मार्शल, ये जितने भी लोग थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में, इन्होंने इस सभ्यता की खोज की, तो भारतीय संस्कृति के इतिहास की प्राचीनता का पता चला कि अरे
जब मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जब मिस्र की सभ्यता थी, जब हांगो नदी की सभ्यता थी, जब एजटेक सभ्यता थी, जब माया सभ्यता थी, जब इंका सभ्यता थी, उन सब के समकालीन भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जो उन सब से अच्छी थी। वो सभ्यताएं थी सबसे प्राचीन, लेकिन उनमें से सबसे परिपक्व सभ्यता भारत में देखने को मिली 1921 में, जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये सभ्यता आपकी जब पता किया गया, अवधि निकाली गई, कार्बन डेटिंग पद्धति, यूरेनियम डेटिंग पद्धति, इन सबसे जब अवधि का पता चला तो ये निकल के आया कि सिंधगढ़ सभ्यता है बहुत पुरानी। ऐसा नहीं कि बहुत, जैसे अभी खड़गपुर IIT खड़गपुर है ना, वहाँ पर अभी रिसर्च चल रहा है और पता किया गया कि भाई अभी ये सभ्यता और पुरानी हो सकती है। आमतौर पर जो इसका समय दिया गया है वो निकल के आया है 2500 BC से, सबसे मान्य तथ्य है। इसको लेके बड़ी डिबेट है, इतिहासकारों के बीच में मतभेद है, लेकिन फिर भी 2500 BC से लेकर के समय निकल के आया है आपका 1750 BC, ये अवधि सब लोग मानते हैं, सर्वमान्य मत है। लेकिन अभी IIT खड़गपुर या फिर जो आधुनिक रिसर्च है वो कहती है कि ये इससे भी पुरानी 8000 BC से प्रारंभ होती है सभ्यता। तो अभी इसको लेकर रिसर्च चल रहा है, चूँकि कोई बहुत ज़्यादा इसको मान्यता और बहुत ज़्यादा प्रामाणिकता नहीं दी गई, अभी हम यही मान के चलेंगे। आपको NCERT और हर जगह यही टाइम मिलेगा। ठीक है, ये सभ्यता सबसे आधुनिक सभ्यता के रूप में थी उस समय। आधुनिक सभ्यता क्यों? नगरीय नियोजन, शहरी सभ्यता, ड्रेनेज सिस्टम, जल निकास प्रणाली उच्च गुणवत्ता युक्त थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास प्रणाली और भी बहुत सारी चीज़ें थी। नगर दो भागों में विभाजित था, एक दुर्ग था, एक टीला वाला क्षेत्र था, एक निम्न शहर था। ठीक है, बाकी इसका जो कल्चर सेक्शन है वो भी अपने आप में रिच है, आगे बढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता, इसके बाद क्या हुआ, ये समयावधि है 1750 BC से लेकर के 1500 BC का, 150 साल की ये अवधि जो है। इस अवधि में सिंधु घाटी सभ्यता डिक्लाइन हो रही थी, पतन हो रहा था उसका। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का काल है, पतन का काल 1750 से 1500 BC जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का काल है। ठीक है, इसके बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता पतित हुई, अब पतन के बहुत सारे कारण है, कुछ ने कहा बाढ़ आ गई अचानक, है ना, बाढ़ आ गई और केदारनाथ की तरह सिंधु घाटी सभ्यता भी चली गई, है ना। वैसे ही बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि बाहरी लोग आ गए, आर्य आ गए, आकर के उन्होंने यहाँ के लोगों को निपटा दिया, ख़त्म कर दिया, है ना। कुछ लोगों ने कहा कि भाई मरुस्थलीकरण हो गया, मरुस्थल का विस्तार हो गया। कुछ ने कहा प्राकृतिक आपदाएं आए, कुछ ने कहा कि पर्यावरण हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया। बहुत सारे मतभेद हैं आपस में, बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो एक सभ्यता का जन्म हुआ उसका नाम था वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। 1500 BC से लेकर के ये चला आपका कब तक, 600 BC। वैदिक सिविलाइजेशन को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक मतलब जिसके, जिसका सोर्स ऑफ नॉलेज, जिसके बारे में जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है ना। इसको दो भागों में बांटते हैं वैदिक सिविलाइजेशन को, ऋग्वैदिक और दूसरा है उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक को यह कहा जाता है कि ऋग्वैदिक कल्चर कैसा है। ऋग्वैदिक कल्चर आपका, ऋग्वेद के सोर्स के रूप में, ऋग्वेद में जानकारी इसके बारे में मिलती है, कैसे जीवन यापन था, क्या था क्या नहीं था, सब पता चलता। उत्तर वैदिक काल में तीन वेद अलग हैं, अथर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनसे जानकारी मिलती है, पढ़ेंगे जब होगा। तो ये पूरा टाइम पीरियड वैदिक काल का होता है। इसी समय लोहे का आविष्कार होता है, ठीक है, 1000 BC में लोहे का आविष्कार होता है, और लोहे के आविष्कार ने ही ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को डिवाइड किया है। लोहे के आविष्कार के बाद का काल उत्तर वैदिक काल, लोहे के आविष्कार के पहले का काल ऋग वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वो सब मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। 600 BC में देखो, यहाँ पे सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक ही नहीं थी, एक सभ्यता थी, एक ऐसी सभ्यता जो शहरी सभ्यता थी, नगरीकृत सभ्यता थी, जहाँ पर नगर थे बड़े बड़े, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ऐसे नगर थे बड़े बड़े, चहुंदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये बड़े बड़े शहर थे। यहाँ पर आकर इसके आगे जब इसका पतन हुआ तो नगर खत्म हो गए, गाँव आ गए, फिर से ग्रामीण सभ्यता का जन्म देखने को मिलता वैदिक काल में। लेकिन जब लोहे का आविष्कार हुआ, लोहे के आविष्कार ने द्वितीय नगरीकरण को जन्म दे दिया 600 BC में, महाजनपद काल। महाजनपद काल, पूरा भारत, पूरा का पूरा भारत
कितने भागों में बट गया? 16 बड़े बड़े महाजनपदों में बट गया। ये जानकारी मिलती है हमें अंग्युत्तर निकाय से, ठीक है। बौद्धिज्म में एक ग्रंथ है अंग्युत्तर निकाय, और जैनिज्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों से हमें ये जानकारी मिलती है कि भारत 16 बड़े बड़े महाजनपद, बड़े बड़े महाजनपदों में बट गया है ना। कुछ महाजनपदों के नाम लूँ तो जैसे मगध एक बड़ा इंपॉर्टेंट महाजनपद था, अंग था उसी समय, है ना, अंग था, वत्स था, और ये जो जहाँ मथुरा वाला क्षेत्र था सूरसेन था, राजस्थान वाले क्षेत्र में मत्स्य महाजनपद था, साउथ इंडिया पे जाएं तो अस्मक महाजनपद था, ऐसे करके 16 महाजनपद थे पूरे भारत में। बड़े स्तर पर पूरा भारत 16 महाजनपदों में बट गया। इनमें से एक महाजनपद शक्तिशाली बन के निकला जिसका नाम था मगध महाजनपद। पूरी कहानी मगध महाजनपद की है। इसके बाद प्राचीन भारत की, सब प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है, प्राचीन भारत के इतिहास की कहानी है ये। इसके बाद मगध, इन 16 महाजनपदों में से मगध महाजनपद शक्तिशाली बन के निकला। कई 3-4 महाजनपद शक्तिशाली थे, अवंती शक्तिशाली था, कोसल शक्तिशाली था, मगध शक्तिशाली था, लेकिन मगध का जो शासक बिंबसार था बहुत दिमागी था, बुद्धि बहुत थी उसके पास। बुद्धि कैसी थी? अपने साम्राज्य का विस्तार करना था उसे। साम्राज्य के विस्तार के कई तरीके होते हैं, लड़ाई झगड़ा भर से साम्राज्य विस्तार नहीं होता है। उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए सबसे अच्छे तरीके से, तो इसी से होता है ना। जैसे इमरान खान की यदि बेटी हो और प्रधानमंत्री का जी का यदि बेटा होता तो शायद कुछ संबंध अच्छे हो सकते थे, है ना, लेकिन दोनों दीवा स्वप्नी है। चलो, तो कहने का तात्पर्य यह है कि बिंबसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। पहले कोसल महाजनपद से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक है, कोसल महाजनपद से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसके बाद उसका बेटा आ गया, बोला कि ऐसे पापा जी ऐसे नहीं चलेगा, अजात शत्रु, है ना, बोला कि मैं लड़ाई झगड़ा करके लूंगा। तो काफी कुछ बिंबसार करके गया था, इसके बाद बेटे ने सबको पराजित कर दिया, अजात शत्रु ने, नामी था अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, ठीक है। वैशाली को ख़त्म किया, सबको ख़त्म करके मगध को एक शक्तिशाली महाजनपद बना दिया। मगध शक्तिशाली क्यों बन गया? मगध की लोकेशन कुछ ऐसी है, चारों तरफ से राजगीर की पहाड़ियाँ थीं जो उसे भौगोलिक रूप से, जैसे हमारे यहाँ हिमालय है ना, हिमालय कोई आक्रमण करने में चाइना 10 बार सोचेगा, उसे पता है कि बड़ा जटिल रास्ता है ना। तो कहीं ना कहीं पे भौगोलिक रूप से मगध चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा था। दूसरा लोहा बहुल क्षेत्र था, यहाँ पे लोहा बड़ी मात्रा में था जिससे बड़े उच्च गुणवत्ता के अस्त्रों का निर्माण हो जाता था। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब पढ़ोगे तो मैं फिर डिटेल से प्राचीन भारत में चीज़ें बताऊँगा कैसे मगध आया। तो मगध शक्तिशाली महाजनपद बन के निकला। इसके बाद यहाँ बहुत, अब मगध में बहुत सारे शासक आएंगे। कौन कौन आता है? सबसे पहले आता है आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश के 2-3 शासकों के नाम मैं बता देता हूँ। बिंबसार इसी वंश का शासक था। मगध में पहला वंश कौन सा है? हर्यक वंश। दूसरा वंश कौन सा है? हर्यक के बाद आया शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश, ठीक है। ये तीनों का यदि टाइम पीरियड देखें तो मान के चलिए 544 BC से प्रारंभ होते हैं और ये जाता है 322 BC तक, ये जाता है पूरा, ठीक। नंद वंश का शासन, अंतिम शासक घनानंद था और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे निपटा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। इसी समय सिकंदर महान भारत में आक्रमण करने आया था, ठीक है। तो ये तीन वंश आपको देखने को मिलते हैं मगध की गद्दी में, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। इसके बाद अगला आता है मौर्य वंश काफ़ी लंबा चला, 322 BC से लेकर के 184 BC तक ये चला, ठीक है। इसमें तीन बड़े शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप में एक बड़े शासक थे, चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार और उसके बाद सम्राट अशोक का, सम्राट अशोक इसी वंश में थे। मौर्य वंश के बाद आएंगे मौर्योत्तर काल में आप, मौर्य वंश के बाद आएंगे आप मौर्योत्तर काल में, मौर्यों के बाद का काल। अब मौर्योत्तर काल में बहुत सारे शासक हैं, जैसे इसमें देख रहे हैं ना, इनके मौर्य से पहले हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश है, वैसे ही मौर्योत्तर काल में एक था आपका शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग का नाम सुना होगा, है ना। मौर्योत्तर काल में दूसरा शासक था कर्णवंश, लेकिन कर्णवंश और शुंग वंश बहुत ज़्यादा अवधि तक नहीं रहे, बहुत कम अवधि के बाद ये भी खर्च निपट गए। इसके बाद मौर्यों का एक वास्तविक उत्तराधिकारी सातवाहन बनकर आए, सातवाहन वंश इसी समय था,
सातवाहन वंश दक्षिण भारत वाले, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमामी, ये सब क्या हैं? सातवाहन शासक थे और बड़े फेमस शासक थे, ठीक है। इसी समय भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए। देखो भारत में विदेशी आक्रमण लगातार हुए हैं। एक विदेशी आक्रमण तो इसी टाइम पे हो गया था, इसका नाम था, देखो एक विदेशी आक्रमण यहाँ पे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता थी, विदेशी आक्रमण हुआ आर्यों का, आर्यों का आक्रमण हुआ यहाँ पर, पहला तो आक्रमण भारत में यही हुआ। हम तो ऐसे थे कि जैसे कोई हमारे ऊपर आक्रमण करने आ क्यों नहीं रहा, हम यही टेंशन में रहते थे, तो कोई ना कोई आता रहता था, है ना। भारत बैठा था बिल्कुल थाली सजाए बैठे थे कि अच्छा आ गए, तुम्हारा इंतजार था। तो यहाँ पे पहले आर्य आए, आर्य के बाद ईरानी आए, सबसे पहले दारा प्रथम, डेरियस प्रथम के टाइम पीरियड पे आक्रमण हुआ था, ईरानी आक्रमण भारत में। इसके बाद नंदवंशु के टाइम पीरियड पे यूनानी आक्रमण हुआ भारत में, यूनानी आए, यूनानी आक्रमण, है ना। तीन प्रमुख आक्रमण, आर्यों का आक्रमण, ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण। इसके बाद यहाँ पे मौर्योत्तर काल में लगातार कई आक्रमण हुए, कई लोग आए यहाँ पर। कौन कौन आया क्रम से देखते हैं। सबसे पहले आए शक, शक पहलाव, कुषाण, इनसे पहले इंडो चीन आए थे, हिंद यवन बोलते हैं उन्हें, हिंद यवन, यवन, ठीक है। तो हिंद यवन, शक, पहलाव, कुषाण, ये शासक मौर्योत्तर काल पे आए और भारत पे इन्होंने शासन किया। कुषाण वंश का प्रमुख शासक कनिष्क, है ना, कनिष्क के शासन पे सत्तारूढ़ जब हुआ, वहीं से शक संवत प्रारंभ होता है, जो भारत सरकार आज के समय पे हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, शक संवत। तो कनिष्क के राजरोहण से ही प्रारंभ होता है शक संवत, ठीक है। तो हिंद यवन, शक, पहलाव, कुषाण, बाहरी जनजातियाँ थी, यूची जनजातियाँ थी, मध्य एशिया वाले क्षेत्रों से आई थी। वहाँ पर जब जीवन दुर्लभ हो गया तो उनको कुछ नहीं भारत दिखता था, गंगा वाला क्षेत्र, है ना, पल्लवित पोषित गंगा का तटीय क्षेत्र, यहाँ पर आकर के ही वो शासन सत्ता को विस्तृत करना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका मौर्य काल, मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद जो है अगला समय जो आपका आता है, इसे बोलते हैं गुप्त काल का, गुप्त काल, गुप्त काल। अब है ही गुप्त काल तो क्यों इसको ओपन करें, है ना। तो गुप्त काल के कई शासक थे। पहला तो शुरुआत में माना जाता है कि, है ना, श्री गुप्त नामक एक व्यक्ति था जिसने इसकी स्थापना फिर घटोत्कचाया, लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं कि 1319 AD में उसने इसकी नींव रखी। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त, पहले श्रीगुप्त को माना जाता है कि वो सामंत था, ठीक है, कुषाणों में था। चंद्रगुप्त प्रथम आया, फिर इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण शासक आया जिसका नाम था समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन बोलते हैं। उसके बाद आया रामगुप्त, रामगुप्त के बाद आता चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, उसके बाद कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, ऐसे करके पूरा क्रम है शासकों का, ठीक है। फिर परवर्ती गुप्त, इसके बाद आता है आपका गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल, ठीक है, गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में एक तो परवर्ती गुप्त थे, यहाँ पर भी बहुत आप जैसे इसमें कई शासक हैं ना, वैसे यहाँ पर भी कई शासक हैं। पहले थे परवर्ती गुप्त, परवर्ती गुप्त, कई वंश थे, मौखरी वंश, मौखरी वंश। इसी समय एक वंश था जिसका नाम था, कोई बताएगा कौन सा वंश? पुष्यभूति वंश, जिसका शासक था हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश, ठीक है। इसमें कई शासक हुए, तीन शासक हुए। पहला था प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन के दो बेटे हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। फिर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन, राज्यवर्धन की मृत्यु शशांक ने कर दी थी, है ना, और इसी के बाद जो है यहीं पर हर्षवर्धन, ये तीन शासक यहाँ पर पुष्यभूति वंश में हुए, ठीक है। फिर इसके बाद गुप्तोत्तर काल के बाद आगे बढ़ते हैं, हर्ष एक अंतिम शासक, यहाँ से प्राचीन भारत का इतिहास आपका समाप्त भी हो जाएगा, ये है एंडिंग, हर्ष का शासन अंतिम है, प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है, ठीक। ये है प्राचीन भारत का इतिहास आपका, इतना ही पढ़ना है। अब इतने में कितना पढ़ना है समय बताएगा, काफ़ी ज़्यादा है, इसमें टाइम लगेगा, काफ़ी लंबा समय लगता है। तो ये हो गया आपका प्राचीन भारत का इतिहास। फिर भी एक बार मैं फिर से बता दूं, पुरापाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता जिसमें ऋग वैदिक उत्तर वैदिक अलग हैं, फिर इसके बाद महाजनपद काल जिसमें मगध महाजनपद बना, फिर आपका मगध में हर्यक वंश आया, हर्यक के शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर मौर्योत्तर काल में शुंग, कर्ण, सातवाहन, फिर हिंद यवन, शक, पहलाव, कुषाण, और इसके बाद आपका गुप्त काल आया, गुप्तवाद के बाद गुप्तोत्तर काल आया जिसमें परवर्ती गुप्त, मौखरी वंश, पुष्यभूति वंश और भी बहुत सारे इंटू पिंटू वंश थे।
ठीक है, वो सब मैं अभी नहीं समय के साथ बताऊंगा। तो पुष्य विभूति वंश हर्ष जो इसका अंतिम शासक था, इसकी मृत्यु के तुरंत बाद पूरा भारत फिर टुकड़ों में बट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में फिर बट गया। ऐसा माना जाता है कि ये जो लोग थे ना, शक पलह कुषाण, ठीक है, बहुत सारे डिबेट है इसमें, और इसको बोलते पूरा फिर राजपूत काल प्रारंभ होगा। राजपूत काल में बहुत सारे तरीके हैं। कई कुछ लोगों ने कहा कि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर जाकर के यज्ञ किया और यज्ञ से चार प्रमुख जातियां निकली, पर प्रतिहार निकले, उसी से परमार निकले, चौहान निकले, ये निकले, वो निकले। तो एक जो है ये सिद्धांत दिया गया कि अग्निवेदी से निकले हुए लोग हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि जो ये शक पलह कुषाण है, तो आने के बाद इन्होंने भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और जो उनका ब्रीड निकला, वो ब्रीड जो संकर प्रजाति निकली, वही जाकर के यहाँ पर गुप्त काल में बैठे थे शांत, कि जैसे ही टाइम मिलेगा हम कब्जा करेंगे, और इन्होंने जहाँ जहाँ पर थे वहीं वहीं पर एक्टिव हो गए। तो भारत कई टुकड़ों में बट गया, कहीं पर चंदेल थे, कहीं पर परमार थे, कहीं पर प्रतिहार थे, कहीं पर पाल थे, कहीं पर सोन सेन थे, कहीं पर तोमर थे, कहीं पर कलचुरी थे, कहीं पर चालुक्य थे, कहीं पर बातापी, कहीं पर तैर, बहुत सारे लोग हैं, पूरी भीड़ है इनकी, ठीक है। भारत मतलब एक भारत नहीं रह गया, भारत भूमि। अब इसी समय भारत में इस्लाम का आगमन होता है, मोहम्मद बिन कासिम है ना, 712 एडी में सिंध पर आक्रमण करता है। सिंध का शासक दाहिर था उस समय, दाहिर के ऊपर आक्रमण होता है, बहुत सारे कारण हैं, अब कारण में से एक छोटी सी कहानी, ठीक है। क्या था कि श्रीलंका से उस समय ईरान में शासक था हज्जाज, ठीक है, तो नहीं हाँ हज्जाज ही था। तो उस समय क्या था कि श्रीलंका से मटे बहुत सारा जो टैक्स होता था, टैक्स कलेक्ट होकर के उसके पास जाता था हज्जाज के पास। तो जो सिंध वाला क्षेत्र था, इसके जलीय क्षेत्र पर समुद्री लुटेरों ने उसके जहाज को लूट लिया। तो हज्जाज ने सिंध के शासक दाहिर से कहा कि भाई तुम्हारे समुद्री क्षेत्र पे ये लूटा गया है, ऐसा करो कि आप हर्जाना भर दो, नहीं तो इसके बुरे परिणाम देखने पड़ेंगे। दाहिर ने कहा कि भाई ऐसा है, भूमि क्षेत्र तक तो मुझे समझ में आता है, समुद्र का मुझे नहीं समझ में आता, समुद्र मेरे अंतर्गत नहीं है, मैं भूमि क्षेत्र तक की जिम्मेदारी लेता हूँ, समुद्र मेरे पास कुछ नहीं है समुद्र के बारे में जानकारी। तो जब ऐसी बात हुई तो फिर फाइनली उसने दो तीन आक्रमण किए, पहले शुरुआत के दो आक्रमण असफल भी रहे, फिर मोहम्मद बिन कासिम उसका दामाद आया, ठीक है, 19 वर्षीय लड़का आकर के यहाँ पर कोराम, उसने बड़ी पॉलिटिक्स खेली। उसकी एक पत्नी थी लाड़ी, दाहिर की पत्नी लाड़ी थी, लाड़ी को बोला कि क्या बुड्ढे के साथ है ना, आप मेरे साथ आ जाओ। तो पहले उसको प्रलोभन दिया और वो अपने इसके साथ आ गई, मोहम्मद बिन कासिम के साथ। लाड़ी ने पूरे भेद बता दिए, सिंध का दरवाज़ा खोला, दाहिर मारा गया। इसके बाद फिर लाड़ी को भी उसने मरवा दिया, मोहम्मद बिन कासिम ने बोला जो अपने पति की नहीं हो सकी वो है ना। इसके बाद उसकी दो बेटियां थी, उन बेटियों को ले गया मोहम्मद बिन कासिम, जब जाकर शासक के हज्जाज के पास सामने उसने पेश किया, बेटियों ने कहा कि व्यभिचार का आरोप लगा दिया मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर। और जब आरोप लगाया तो मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज ने कहा कि तुम एक बैल की खाल पे अपने आप को सिल लो। बाद में उन बेटियों ने कहा कि हमने तो अपने पिता का बदला ले लिया, तो उन बेटियों को भी उसने घोड़े में बंधवा के खूब घसटवाया, तब तक घसटवाया जब किसी का हाथ पांव बचा बस। तो ऐसे करके पूरी कहानी जब होगा तो फिर कायदे सुनाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये इस्लाम का आगमन हो जाता है आपका, लेकिन अरब आक्रमण, अरब आता है पहले, अरबी अरब क्षेत्र से आया था कासिम, ठीक है। अभी तुर्क नहीं है, अभी अफगान नहीं है, है ना, अभी मुग़ल नहीं है, अभी ये अरब, यहाँ से लेकिन इस्लाम का आगमन हो जाता है, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। देखो विदेशी आक्रमणों की बात चल रही थी, विदेशी आक्रमण यहाँ पर भी हुआ गुप्तोत्तर काल में, समझ में आ रहा है कि मैं ही समझ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं ही केवल समझ रहा हूँ, सब समझ रहे हैं ना। हाँ ये भी बहुत बड़ी बात है, पता चला सब मैं ही समझता जा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्या मैं बोल रहा हूँ। गुप्तोत्तर काल में भी कई विदेशी आक्रमण हुए, हूणों का आक्रमण इसी समय हुआ था, हूण आक्रमण, हूणों के बारे में आप नाम सुनते होंगे, हूण तोड़माल मिहिरकुल ऐसे नाम सुनते हैं ना, उन्होंने आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के समय में, स्कंदगुप्त ने पूरे आक्रमण को फेल कर दिया था, इसी के बाद गुप्त काल का पतन होना शुरू हो जाता है, परिवर्ती गुप्त के समय सब खत्म। तो यहाँ पे अरब आक्रमण, जब अरबी भारत में आते हैं, ठीक है, तो सिर्फ व्यापारिक, भारत के अरब के साथ व्यापारिक संबंध बन जाते हैं और इसके बाद कुछ कल्चरल रिलेशन बनते हैं। यहाँ से अब देखो इस्लाम का आगमन होगा, अब यहीं पर देखेंगे ना, अभी मैं जब चर्चा पर चर्चा करूंगा कि हिंदुइज्म का जन्म कहाँ पे हुआ, हिंदू धर्म कहाँ से आया, हिंदू धर्म का जन्म कैसे हो गया, क्या हिंदू कोई एक धर्म है, क्या बहुत सारे धर्मों का एक समूह था, तो वो सारी चीज़ें यहीं से देखने को मिलती हैं।
जैसे इस्लाम की सुरक्षा के लिए, इस्लाम से सुरक्षा के लिए, देखो इसमें मैं कार्ल मार्क्स को लेकर आऊँगा, मैं कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी आपको बताऊँगा। उसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो बात कही है कि हमेशा समाज में दो वर्ग जिंदा रहते हैं, एक वर्ग दूसरे वर्ग के एंटिक रहता है, बाद में कालांतर में दोनों वर्गों में सामंजस्य होता है और जैसे ही सामंजस्य होता है वैसे एक नया वर्ग का जन्म हो जाता है। ठीक है, अभी मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा सा बाद में, पहले मैं इसको पूरा क्लियर कर दूं। तो यहाँ से आपका मध्यकाल का शुरुआत होता है, ये आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ, लेकिन इसे पूर्व मध्यकाल कहते हैं। प्राचीन काल यहाँ से एंड, यहाँ से पूर्व मध्यकाल शुरू। ठीक है, पूर्व मध्यकाल यहाँ शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर यह है आपका राजपूत काल, राजपूत काल। ठीक है, काफी लंबा चला राजपूत काल, कब तक चला? जब यहाँ पर एक तो आया महमूद गजनवी, महमूद गजनवी तुर्क था, है ना, और महमूद गजनवी आया था, उसका कोई विचार नहीं था कि भारत पे जाके शासन सत्ता करना है, उसका विचार था कि भारत की जो धन संपदा है उसको भारत से ले जाकर के गजनी प्रदेश में इकट्ठा करना है ना। तो यहाँ से खूब जितना भी आपका धन संपत्ति जितना भारतीयों ने जोड़ जुहा के रखा हुआ था, भारतीय आदमी अभी भी जोड़ जुहा के रख रहे हैं, है ना, वही है। फिर कोई गजनवी आएगा फिर लूट ले जाएगा, अपने पेट में कहाँ खाते हैं भारत के लोग, सही बात है ना। तो गजनवी आया, मंदिरों को खूब तोड़ा, तोड़ फोड़ करके, दो तीन उद्देश्य थे, एक तो धर्म का प्रचार करना। हाँ हाँ, अब बैंक नौ उपनिवेशवाद चल रहा है, बाकी लोग OTP के माध्यम से भी लूट लेते हैं, फ़ोन कॉल आता है, सर आपका OTP आया होगा, मैं SBI से बोल रहा हूँ, फिर आप भी सोचते हैं अरे बैंक से है तो कोई ना कोई तो बात है। वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो ये होगा कि पहले क्या था, ठगी होता था, अब क्या है कि अब ये एक वैज्ञानिक पद्धति है ठगने की, बस बेरोजगारी है और कुछ नहीं, ये अलग एक रोजगार के रूप में। ठीक है, तो राजपूत काल, गजनवी आया, अब देखो फिर विदेशी आए, महमूद गजनवी आया। ठीक है, महमूद आया, 1000 AD की घटना है, 1000 AD के टाइम पीरियड पे, यानी ये पूरा जो है यहाँ पर 700 AD से लेके 1000 AD तक के पूरा अभी आपका वही चल रहा है। ठीक है, राजपूत काल काफ़ी लंबा चला, काफ़ी लंबी अवधि है, मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा जब पढ़ाऊँगा। महमूद गजनवी के आगमन के बाद जो है एक पर्सन आया जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, ये बहुत निर्णायक साबित हुआ, गौरी का आगमन हुआ। गौरी कब आया आपका? गौरी आया 1175 से, इसने प्रयास करना चालू कर दिया, शुरुआत में काफ़ी असफल रहा लेकिन फाइनली विजय हुआ 1192 में तराइन के विद्युतीय विश्व युद्ध में। तराइन का प्रथम विश्व युद्ध किसके किसके साथ हुआ? गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, राय पिथौरा बोलते थे उसे। पृथ्वीराज चौहान बड़ा शक्तिशाली बलवान शासक था, छोटा मोटा शासक नहीं था, उसने चंदेल वंश के परमार्थी देव के शासनकाल के दो महान वीर आला उदल में से उदल को मार दिया था, उदल की छाती को फाड़ दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, समझो इतना बलशाली आदमी था, और उदल को मतलब बहुत पावरफुल पर्सन था उस समय। फिर आला, उसका भाई आला कहते हैं अभी भी जिंदा है ना, महोबा में अभी भी आता है, मैहर की देवी पे डेली फूल चढ़ा के जाता है, ऐसी मान्यता है हमारी, बाकी पता नहीं। तो 1192 में तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और मोहम्मद गौरी से पराजित हो गया, कौन? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग, समयावधि पहुंचते हैं 1192 के बाद से गौरी का शासन भारत में प्रारंभ होता है। 1194 में एक युद्ध और गौरी लड़ा, उसका नाम था चंदावर का युद्ध। ठीक है, 1194 में चंदावर हुआ, चंदावर का युद्ध। ठीक है, और इसके बाद गौरी के देखो कोई संतान नहीं थी, गौरी के पास कोई संतान नहीं थी, गुलाम थे, बहुत सारे गुलामों को इसने इकट्ठा कर रखा था। तो इसका एक गुलाम था, तीन गुलाम थे इसके, कोई बताएगा तीनों गुलामों के नाम गौरी के? हाँ, ताजुद्दीन अलदौज, नसरुद्दीन कुबाचा और ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तीन ये थे, और जब गौरी मरा तो मरने के बाद ही क्या हो गया, जहाँ जहाँ पर थे उस क्षेत्र को इन्होंने कब्जा कर लिया। ऐबक भारतीय क्षेत्र में था और यहीं से तुर्क साम्राज्य की भारत में स्थापना पड़ती है, तुर्क साम्राज्य की स्थापना पड़ती है और यहीं से दिल्ली सल्तनत भी प्रारंभ हो जाता है। दिल्ली सल्तनत बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत प्रारंभ होता है। दिल्ली सल्तनत में तीन और चार वंश थे लगभग, पहला वंश था आपका गुलाम वंश,
ठीक। दूसरा वंश था खिलजी वंश, तीसरा वंश था आपका तुगलक वंश। देखो मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि सब में कल्चर है, सब में एक समाज है, सब में स्थापत्य हुए हैं। मौर्य काल का अलग स्थापत्य रहा, गुप्त काल का अलग स्थापत्य रहा, यहाँ पर कुछ और थीम थी, यहाँ पर स्थापत्य की और थीम थी, सबका कल्चर पढ़ना है। इसलिए क्रमबद्धता बहुत जरूरी है जाननी। इतिहास में यदि आप क्रमबद्धता नहीं जान पाए तो आप इतिहास कभी समझ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कल्चर पढ़ाने से पहले मुझे ये क्रमबद्धता आपको जोड़नी पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर तुगलक वंश के बाद चौथा है सैयद वंश, सैयद के बाद लोधी वंश, लोधी, ठीक है। तो ये जो है दिल्ली सल्तनत पे पांच प्रमुख वंश थे, ठीक। समयावधि रहती है कब से कब तक, 1206 से प्रारंभ होता है और ये आपका चलता है कब से कब तक, 1526 तक। ये अवधि है पूरी आपकी, ठीक, दिल्ली सल्तनत की। और एक अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करता है विदेशी आक्रांता, फिर बाहर से आक्रमण हो गया। देखो भारत तैयारी बैठा था, जैसे कुछ सही होता है यहाँ पे कोई ना कोई आ ही जाता दरवाजा खटखटाने। फिर एक आ गया बाबर, 1526 से पहले ही आया। वो दो लोग थे, एक राणा सांगा था, दूसरा पंजाब का सूबेदार था दौलत खां लोधी। उन दोनों ने इसको निमंत्रित किया, बोला कि आ जाओ यहाँ पे, इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाना है, हमको शासक बनाना है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बाबर आएगा तो फिर जाएगा नहीं, और आया और गया भी नहीं। तो बाबर आ गया यहाँ पर 1526 में, बाबर आ गया 1526 से 1530, 4 साल की ज़िंदगी रही उसकी भारत में, और लगातार युद्धरत रहा वो। सबसे पहले उसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, पानीपत पहला। इससे क्वेश्चन आया था पानीपत से कि सबसे ज़्यादा साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयाँ पानीपत में ही क्यों हुई हैं, 3 युद्ध हुए हैं पानीपत में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में, पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के बीच में, है ना। तो चलिए वो अलग चीज़ है। तो 1500 अब इसमें कितने युद्ध हुए, पहला तो पानीपत लड़ा, इब्राहिम लोधी गया, लोधी वंश ही गया, दिल्ली सल्तनत भी गया, सब कुछ गया यहाँ से, यहाँ से मुगल काल का जन्म हुआ। इसके बाद दूसरा युद्ध हुआ खानवा का युद्ध राणा सांगा के बीच में, तीसरा युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध, ठीक है, लगातार बैक टू बैक, और अगला युद्ध हुआ घाघरा का युद्ध, घाघरा, ठीक है। इतने 4 युद्ध लड़े इसने बैक टू बैक। और ऐसा मान्यता है, कोई कहता है कि अपने बेटा बीमार हुआ, हुमायूं को अपनी उम्र दे दी, ये कर दी वो कर दी दुनिया भर की, लेकिन अब उम्र हो गई थी उसकी, है ना, कोई ना कोई मरने का बहाना होता है, और ये निपट गया, बाबर चला गया, बाबर के बाद बेटा हुमायूं को बाबर जाते जाते एक बड़ी गड़बड़कार बात कही, बोला बेटा अपने भाइयों के साथ बड़ा अच्छा बिहेव रखना, है ना, पुत्र मोह पे इसने पूरे साम्राज्य को, और हुमायूं ने किया भी, अपने साम्राज्य को बांट दिया भाइयों को, अस्करी को दे दिया, हिंदाल को दे दिया, कामरान को, सबको दे दिया एक एक हिस्सा, जिसके कारण से साम्राज्य कमजोर हो गया। और ये लोग जो पराजित हुए थे ये बिल्कुल ताके बैठे थे कि बाबर कब जाए, ठीक है। बाबर बहुत कम लोग लेकर आए, लेकिन उसकी युद्ध पद्धति कुछ ऐसी थी, बारूद का पहली बार प्रयोग किया, तुगलमा युद्ध पद्धति थी, है ना, बहुत सी जिहाद, गाजी की उपाधि ली उसने, है ना, जिहाद घोषित कर दिया खानवा के युद्ध में। तो उसका एक कहते हैं ना कुशल सेनापति, कुशल नेतृत्व करता, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है युद्ध में। आप लोगों ने किसी ने देखा है, एक मूवी है 300 स्पार्टन, देखिए किसी ने, उसमें 300 होते हैं, वो 300 होते हैं और पूरे यूनान से लड़ जाते हैं, पूरा हिस्टोरिकल है वो, ठीक है, इतिहास में जरूरी नहीं। जैसे कि अभी हमारी केसरी मूवी है, केसरी मूवी में ये कहानी है, सारी घड़ी की कहानी है, और सारा घड़ी मैं पढ़ाऊंगा कभी, आप जब राजा रणजीत सिंह पढ़ेंगे तो रणजीत सिंह के द्वारा ये गुलिस्तान किला, सारा घड़ी, ये जितने किले हैं वो क्षेत्र इन्हों के द्वारा जीता गया, लेकिन बड़ा संवेदन जोन था। क्यों संवेदन जोन था, बफर स्टेट था अफगानिस्तान उस समय, और रसिया उधर से, अंग्रेज सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना करे रसिया आ जाए, क्योंकि रसिया भी साम्राज्यवाद में लिप्त हो चुका था। ये कहानी है 1896 की घटना है। तो उस समय जो है सारा घड़ी में इन्होंने प्लानिंग यह की कि पहले इसे जीतते, फिर गुलिस्तान चलते, फिर यहाँ चलते हैं, लेकिन समझो 21 लोगों ने उनको शाम तक रोक दिया। तो कहानी ये नहीं होती है कि आप संख्या में कितने ज़्यादा हैं कितने कम हैं, बात होती कि नेतृत्व करता कैसा है आपका। वही कहानी यहाँ पर देखने को मिली बाबर के साथ, लाखों की संख्या में खानवा के जब युद्ध हुआ, राणा सांगा पहुंचा और सारे राजपूत थे, है ना, ये वही राणा सांगा है जिसके परिवार से आगे चल करके
एक महान महाराणा प्रताप का जन्म होता है, ये वही राणा सांगा है, इसी के पूर्वज हैं। तो थे, लेकिन बाबर जब एक कुशल नेतृत्व करता आता सब खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो अलग बात है, उस पर नहीं चलते। तो 1530 के बाद हुमायूं आया। ठीक है, अब लगातार मैं नाम ही लिख देता हूँ मुगल काल के शासक। हुमायूं कुछ दिन आया, मुगल साम्राज्य खत्म। किसने खत्म कर दिया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ये मान के चलिए अफगान था, वो अफगानी था। ठीक है, और वो घाघरा के युद्ध में मेदनी राय जब पराजित हुआ, अफगान शासक चंदेरी में था मेदनी राय, घाघरा में शायद महमूद शाह था, जो अफगान शासक आपका इब्राहिम लोदी का ही वंशज था, वो पराजित हुआ था। तो शेरशाह सूरी बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वो चाहता था कि फिर से अफगान साम्राज्य, यानी लोदी वंश जैसे अफगान थे लोदी, तो फिर से अफगान साम्राज्य भारत में आ जाए। मुगलों को विदेशी मानते थे वो, तो मुगलों को निकालने के लिए उसने एक योजना बनाई। पहले कुछ समय मुगल दरबार में ही रहा, हुमायूं की सेना में रहा, इसके बाद उसने फाइनली दो युद्ध लड़े, बिलग्राम का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, पार का रास्ता। 1526 में साम्राज्य स्थापित हुआ था, 1540 में मुगल काल खत्म भारत से, अफगान काल सूरवंश चालू हो जाता है यहाँ पे। शेरशाह सूरी, फिर उसके उत्तराधिकारी आते हैं इब्राहिम आदिल शाह, ये सब शासक आते हैं। इसके बाद फिर बैक एंट्री लेता है, बाउंस बैक करता है हुमायूं। ईरान के शासक शाह तस्मास से सहायता लेकर के आता है। उसका शासक बोलता है कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? उसने कहा मैं आपको काबुल जीत के दूंगा, आप मुझे भारत दे दीजिए। शाह तस्मास ने उसकी मदद की। फिर यहाँ पर सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में, और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं जीतता है और इब्राहिम आदिल शाह ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही बताया ना, हुमायूं के बारे में लेनपुन ने लिखा है कि एक ऐसा शासक जो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कहाँ से निपट गया? लाइब्रेरी की सीढ़ियों से हुमायूं चला गया। तो इसके बाद हुमायूं के बाद उसका 14 वर्षीय बेटा अकबर, भारतीय साम्राज्य का एक महान शासक, वो आया गद्दी पर। आते ही बैरम खान था। देखो, अब अकबर का नाम है चूँकि शासक है, लेकिन पूरा खेल बैरम खान ने किया, उसको भी क्रेडिट देना बनता है। बैरम खान ने पूरा नेतृत्व संभाला। उसी समय हिंदू सरदार हेमू के द्वारा युद्ध किया गया, पानीपत का द्वितीय युद्ध। हेमू जीतने ही वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसके आँख में तीर लग गई और फाइनली पानीपत द्वितीय अकबर जीता। बैरम खान ने उसका सिर कलम कर दिया और फाइनली जो है फिर एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना होती है जो 50 साल तक चला। अकबर रहा, अकबर के बाद मुगल काल में उसका बेटा सलीम है ना, जहांगीर के नाम से आया। जहांगीर के बाद शाहजहां खुर्रम, वो आया। उसके बाद औरंगजेब आया। औरंगजेब एक ऐसा शासक जिसने एक भारत के महान शासक को जेल में डाल दिया, अपने पिता को ही डाल दिया जेल में, बोला बैठो अंदर, है ना। वहीं दूर से अपना जो है मुमताज को निहारता रहता था, निहारते निहारते उसी कब्र में वो भी विलीन हो गया। बहुत रीज़न कुछ नहीं था, दरअसल शाहजहाँ ज़्यादा चाहता था उसको, बड़े बेटे को, दारा सिकोह को। दारा सिकोह बड़ा दयालु किस्म का था, दयालु या कहें दयालु किस्म नहीं था, वो सहिष्णु शासक था अकबर की तरह, उपनिषदों का ज्ञान रखता था। उसने कई उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी करवाया। वो मतलब दोनों में अंतर है, उस समय सूफी सिलसिलों में नक्शबंदी से जुड़ा हुआ था औरंगजेब, है ना, और ये कादरी सिलसिला से जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं पे दोनों में बहुत अमूलचूल पूरा व्यवहारिक दृष्टिकोण में अंतर था। यदि शाहजहां के बाद दारा सिकोह शासक बनता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता, मुगल काल सदियों तक और चलता। औरंगजेब आया, आने के बाद उसने ऐसी पॉलिसी क्रिएट कर दी जो आगे आने वाले शासक चला ही नहीं पाए। ठीक है, तो उसको, औरंगजेब को ये फील हो गया कि पिताजी मुझे दक्कन में भेज रहे हैं बार बार। उसको दक्कन का सूबेदार बना देते थे, उसको दूर भेज देते थे, जाओ साउथ इंडिया वहीं संभालो। दारा सिकोह को अपने पास रखते थे। बीच में क्या हुआ, बीच में इनका क्या हो गया, अविश्वास हो गया आपस में, सभी भाइयों के बीच में अविश्वास क्या हो गया। दारा सिकोह शाहजहाँ के पास था, अब ये औरंगजेब मिलना चाहता था अपने पिता से कि भाई मुझे मिलना है, और उसे भी फील हो रहा था। दरअसल इसकी शाहजहाँ की 3 बेटियाँ थी, रोशन आरा, जहाँ आरा और गौहर आरा। तो ये सारी बेटियाँ बता जानते हैं ना, ये भी बड़ा इनके साथ भी गड़बड़ मिक्सर था, एक एक भाई को पकड़े हुए थी जिससे राखी में ज़्यादा मिल जाते थे, है ना। तो शाहजहाँ, औरंगजेब के पास ये जानकारी पहुँची कि पिताजी बीमार हैं और दारा सिकोह शासक बनेगा, और वो किसी को मिलने भी नहीं दे रहा है, पिताजी को कैद करके रखा हुआ है उसने। तो शाहजहाँ को लगा कि पिताजी गड़बड़ कर रहे हैं,
उसने लड़ाइयाँ चालू की, उत्तराधिकार का युद्ध चालू हो गया। पहले मुराद को मिलाया अपने साथ कि बेटा तुम मेरे साथ आओ, ठीक है, पहले उसे मिलाया, एक को निपटाया, उसके बाद उसको निपटाया, फिर दारा सिकोह को पकड़ा। तो ऐसे सामूगढ़ का युद्ध हुआ। उत्तराधिकार के युद्ध के बाद जब शाहजहाँ से मिला तो उसको बोला चलो तुम जेल, तुम जिंदा कैसे रह गए, शासक बनने तो मैं आया हूँ, मैंने तो अपने भाई को मार दिया शासक बनने के लिए, अब तुम जेल चलो। भाई शाहजहाँ जिंदा था तो उसी को शासक होना चाहिए ना, चूंकि शासक औरंगजेब को बनना था तो उसने सबको साइड में कर दिया, यहाँ तक कि अपनी बहनों तक को जेल में डाल दिया, जो उसके पक्ष में थी सिर्फ उसी को अपने साथ रखा। तो ऐसा भी, मतलब वो एक ऐसा औरंगजेब नामी है उसका, एक मूवी भी बनी है औरंगजेब, कभी देखिएगा, उसमें ऋषि कपूर है, औरंगजेब का रोल अदा करता है, उसमें दिखाया गया ऐसा ही कैसे परिवार को ख़त्म किया जाता है। औरंगजेब का मतलब क्या है, पारिवारिक कला ऐसे समाप्त कर देना कि आपको पूरी संपत्ति मिल जाए, इसे औरंगजेब कहते हैं, ठीक है। हाँ, सबको, बेटों को सबको कैद में एक तरफ से, इतना डर गया था। उसकी जो आखिरी रात है, औरंगजेब मरा अहमदनगर के किले पे, अहमदनगर महाराष्ट्र में है, जब वो मर रहा था तो मरते समय उसने, मतलब पूरा वृत्तांत है उसका, कभी सुनिए औरंगजेब का, पूरा मुगल इतिहास में लिखा गया, उसने पूरा पत्र लिखवाया और बताया कि मैं इस समय बड़ा पीड़ित हूँ, मैंने किया क्या 50 सालों में, मार काट के लाओ, मेरे पास रहा क्या, मैंने अपनी जनता को क्या दिया, कुछ नहीं दिया, अपने भाइयों को क्या दिया, अपनी पत्नी, किसी को कुछ नहीं दिया। पत्नी के नाम रबिया उद्दरानी उसकी पत्नी थी, उसके लिए एक उसने ताजमहल की तरह एक उसकी प्रतिकृति औरंगाबाद में बनवाई है ना, बीबी का मकबरा बोलते हैं उसे, कभी देखिएगा ताजमहल की फूहर नकल, देखेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, ताजमहल तो बड़ा सुंदर लगता है, वैसे ही डिक्टो बना रहा था, तो नकल तो होती है, लेकिन भाई जो 22,000 बनाए थे उनको तो उसने निपटवा दिया था शाहजहाँ ने, ठीक है, तो दूसरी प्रतिकृति कहाँ बन सकती थी, वही होते तो कुछ होता, चलो अलग बात है वो। तो मैं कहानी शाहजहाँ तक पहुँ, औरंगजेब तक आए, औरंगजेब के बाद जो है मुगल साम्राज्य ताश की पत्तों की तरह ढह गया, ठीक है। 1526 में बाबर के बाद हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी का काल आया, फिर आया हुमायूं, फिर आया अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहाँ के बाद औरंगजेब के बाद मुगल काल ख़त्म। भाई मुगल काल ख़त्म, अब ये मुगल काल ख़त्म का मतलब ये नहीं कि मुगल काल ख़त्म, परवर्ती मुगल रहेंगे, मुगलों के बाद, उसके बाद आते हैं इंटू पिंटू, नाम बताता हूँ, बहुत कम समय में इतने शासक आ गए। औरंगजेब के बाद एक बना बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, इसको साहेब ए खबर बोलते थे, ठीक है, बहादुर शाह फकर ये बना, फिर इसके बाद किंग मेकर आ गए कुछ। उस समय पूरा मुगल दरबार चार गुटों में बट गया, तुरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट, ईरानी गुट और अफगानी गुट, ऐसे करके चार गुटों में बट गया। हिंदुस्तानी गुट के दो लोग थे, क्या नाम था, सैयद बंधु, है ना, सैयद बंधु किंग मेकर बन के निकले। उसी समय जुल्फकार खान था, जुल्फकार खान ने जहांदार शाह उसको शासक बनाया, जहांदार शाह के बाद फिर किंग मेकर आ गए, वो अपना भूमिका निभाने लगे, और फिर लगातार फरखुसियर शासक बना। फरखुसियर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह आया, उससे पहले दो आए थे, रफीउद्दरजात और रफीउद्दौला, ऐसे करके दो शासक आए, एक शायद एक को क्षय रोग हो गया था, एक को लूज मोशन हो गया था, तो 6-6 महीने में दोनों निपट गए थे। उसके बाद जो है आपका मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐसा शासक था कि वो चाहता तो मुगल साम्राज्य को फिर से बड़ी सत्ता के रूप में स्थापित कर सकता था, लेकिन नामी से रंगीला था, उसको तो दिल्ली के बाहर अपना, अभी जाइए लाल किले में जाइएगा, वहाँ पर उसका बढ़िया तख्ते ताऊस बैठा रहता, मयूर सिंहासन, नाम सुना होगा आपने, मयूर सिंहासन में बैठा रहता था आराम से, और बाहर बढ़िया नृत्यिकाएं नृत्य करती थी, आराम से सुरा और सुंदरी का आनंद लेता था। कोई बोलता था कि नादिर शाह आ रहा है तो बोला बड़ा दूर है, अभी तो वो नदी है, कब तक कैसे पार करेगा, पता चला नादिर शाह नदी पार करते यहाँ आ गया दिल्ली में, जब आ गया सब समर्पित कर दिया, साहब ये तख्ते ताऊस आपका है, ठीक है। और नादिर शाह अचानक क्या हुआ, जब नादिर शाह आया 1739 में एक विदेशी आक्रमण हुआ, नादिर शाह का आक्रमण, ईरान से आया वो, और नादिर शाह जब आया तो उसको भी पता था कि भारत में बड़ी संपत्ति है, उसी समय शहादत खां उसको उधर का गवर्नर बना रखा गया था, तो शहादत खां को पहले पकड़ा, बाद में अवध की स्थापना इसी ने, अवध एक प्रांत बनेगा, शहादत खां ही बनाता है, तो उस समय वो गवर्नर था वहाँ का। तो जब आया नादिर शाह तो उससे पूछा कि भाई चाबी कहाँ है, बोला किसकी चाबी, बोला उसकी चाबी तिजोरी की, बोला यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, दिल्ली जाइए 20 करोड़ मिलेगा, बोला नहीं मिला तो, बोला मैं आप कहता है मुझे चलो ठीक है मैं तुम्हें छोड़ता हूँ दिल्ली जाता हूँ,
शहादत खां के बच्चे को गिरवी रख लिया, तुम्हारा बेटा मेरे पास रहेगा जब तक मुझे उतना पैसा नहीं मिल जाएगा। शहादत खां ने अपना पिंड तो छुड़वा लिया, लेकिन बाद में जब वो दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली आने के बाद स्वागत किया उसने, कोहनूर हीरा मिला, तख्ते साउस मिला, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। दिल्ली में खबर मच गई कि नादिर साहब मारा गया। पता नहीं किसने खबर फैला दी, नादिर साहब मारा गया। तो उसके जितने सैनिक लगे हुए थे सभी सैनिकों पे लोगों ने, है ना, बवाल मचा दिया, काफ़ी सैनिक उसके मारे गए। इसके बाद उसने कत्लेआम कर दिया दिल्ली में, 3 दिन तक लगातार कत्लेआम किया। कहते हैं दिल्ली में चील मंडराते थे, इतने मृत्यु किए, 2,000-3,000 लोग मारे गए। इसके बाद वो तख्ते ताउस लेके यहाँ से चला गया, मयूर सिंहासन, कोहनूर हीरा सब लेके चला गया। फाइनली फिर रंगीला था तब भी, उसके बाद भी रंगीला का शासन 1-1.5 साल तक चलता है। रंगीला के बाद फिर आते हैं, अब इसके बाद 2-3 शासक हैं, एक है आलम शाह है, फिर शाह आलम है, उसी समय बक्सर का युद्ध और ये प्लासी का युद्ध, अंग्रेज आ चुके थे, यूरोपीय कंपनियां पहले ही जहांगीर के टाइम पे ही भारत में यूरोपीय कंपनियां आ चुकी थीं, पहले पुर्तगालियों से पहले भी 3-4 लोग देखने आए थे, लेकिन पुर्तगालियों में वास्को डिगामा ने एक नया रास्ता खोजा था। पहले भी विदेशियों से व्यापार थे, ऐसा नहीं था कि यूरोप से हमारे कोई व्यापार ही नहीं थे, लेकिन उसी समय एक नया रास्ता केप ऑफ गुड होप से आसान तरीप से खोला गया, वास्को डिगामा भारत आया, और उसके बाद पुर्तगाली आया, पुर्तगालियों के बाद होड़ मच गई। पुर्तगाली तो 100 साल तक रहे, 100 साल तक उनका प्रतिस्पर्धी भारत में कोई यूरोपीय कंपनी नहीं थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे वहाँ पर जब डेवलप हो रही थी, औद्योगिक क्रांति छोड़ो, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, ये दो विचारधाराएँ जब जन्मी वहाँ पर, तो धीरे धीरे वो भी भागना शुरू किए, ठीक है। इसके बाद डेनिस आए, डेनिस के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद, है ना, सबसे पहले पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिस, डेनिस के बाद फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश, ऐसे करके क्रम से कंपनी आई भारत में। अब इधर जो है मुगल साम्राज्य खत्म हो रहा था, उधर मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र में डेवलप हो रहा था, मराठा वहाँ डेवलप हो रहे थे, मैसूर में हैदर अली, टीपू सुल्तान, वो डेवलप हो रहे थे, फ्रांसीसी बस्तियाँ कर्नाटक और नाटक के क्षेत्र में डेवलप हो चुकी थी, हैदराबाद वाले क्षेत्र में भी निजाम का शासन था। समझ में आ रहा है कि मैं ही समझ रहा हूँ? देखो इतिहास बड़ा आसान विषय है, 2 घंटे में आपको इतिहास समझा रहा हूँ, बहुत कम समय में, बहुत ईजिली आप शायद आज ही पूरा लिंकेज जान जाएंगे, बाकी आपके ऊपर है, टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो कहीं पर भी। वहाँ भी पहुँचते हैं, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य का पतन, यानी औरंगजेब की मृत्यु और औरंगजेब की नीतियों ने मुगल साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। शासक आए तो, लेकिन वो साम्राज्य का ढांचा नहीं बना पाए, महज लाल किले के अंदर ही उनका मुगल साम्राज्य रह गया बस। कुछ समय तक तो शाह आलम को पालम के बाहर रहना पड़ा था, दिल्ली घुसने ही नहीं दिया जा रहा था, ये कंडीशन भी आ गई, महज पेंशनर बन के रह गए, ये कंडीशन हो गई। अंग्रेजों ने धीरे 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 कैप्चर करना शुरू किया। यहाँ पे त्रिकोणी श्रृंखला हुई, अंग्रेजों ने यहाँ पे त्रिकोणी श्रृंखला की। त्रिकोणी श्रृंखला में तीन लोग थे, एक तो थे भारतीय रियासतें, दूसरे थी अंग्रेजों की टीम, अंग्रेजी टीम, और तीसरी टीम थी यूरोपीय टीम। पहले इनसे मैच खेला अंग्रेजों ने, ठीक है, इनसे मैच खेला, सारी यूरोपियों को ख़त्म किया। वांडीवास में फ्रांसीसी गए, बेदरा में डच गए, है ना, ऐसे करके सबको निपटा दिया, इंटू पिंटू जितने थे, 4-4 बस्तियों में बस बोला इतना ही रहो। गोवा वाले क्षेत्र में पुर्तगालियों को रोक दिया कि बस इतना ही रहना, ज़्यादा मत बढ़ना, है ना। फ्रांसीसियों को पांडिचेरी में छोड़ दिया कि भाई पांडिचेरी से बाहर मत निकलना। डचों को तो भेज ही दिया, बोला निकलो तुम लोग, वहाँ बगल में इंडोनेशिया है, वहाँ निकल जाओ। तो धीरे धीरे अब यहाँ पे ये यूरोपियों को पहले ख़त्म किया, अब अगला मैच इनका भारतीय रियासतों से था। अब इनसे एक एक मैच होना शुरू हुआ। बहुत सारी पॉलिसीज थी जिनके कारण से धीरे धीरे ये जीतते चले गए और ये हारते चले गए। भारत में ब्रिटिश हुकूमत का जन्म हो गया, मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से पतित हो गया, एक नई हुकूमत निकल गया जिसका नाम था ब्रिटिश हुकूमत। तो मुगल काल के बाद भारत में जो एक मुगलों के उत्तराधिकारी बन के निकले वो अंग्रेज निकले, भारत में अंग्रेजी शासन सत्ता का जन्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद लगातार जो है इंटू पिंटू शासन करते चले आए, बहुत सारे वाय, पहले गवर्नर आए, फिर गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, सब कहानी मैंने खूब पढ़ाई है, ठीक है। अब अंग्रेजी शासन के बाद
1885 से भारतीयों ने कहा कि हम गुलाम हैं क्या, मुगलों तक हमें फील नहीं हुआ, ठीक है। जब 200 साल तक उन्होंने 1757 में प्लासी हुआ और 1764 में बक्सर हुआ, इसके बाद जो है हमें फील नहीं था, हमें तो लग रहा था अरे बहुत अच्छा कर रहे हैं अंग्रेज, कितना बढ़िया है, गोरे चिट्टे लोग है ना, पहली बार जो है देखा कितना अच्छा शासन, साफ सुथरा शासन। तो एक वो जो हमारी फीलिंग अभी भी देखो, कोई विदेशी मिल जाए आपको लाल किला में या ताजमहल में, फिर ऐसा लगता है कि रुक जाए थोड़ा, फोटो खींच जाए एक, है ना, या पीछे वो खड़े बातचीत कर रहे होते, इधर आगे खड़े होके फोटो खिंचा लेते हैं। अभी भी क्रेज है, अभी भी उन है ना, तो वो क्रेज था उस समय उनका, वो क्रेज के कारण से बहुत समय तक हमें पता ही नहीं चला कि गुलाम बनाए हुए हैं, बेवकूफ बनाए हुए थे, कभी उन्होंने फील भी करने नहीं दिया हमें। हमारे अंदर एजुकेशन सिस्टम था नहीं, कुछ नहीं था, वो इंग्लिश में बात करते थे तो लगता था क्या बोल रहे हैं। तो ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच में देखें कि भारत धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम बनता गया। पहले बंगाल कब जाया, बंगाल के बाद बिहार कब जाया, उड़ीसा कब जाया, धीरे धीरे अवध कब जाया, बहुत सारी पॉलिसी लेकर आए, सहायक संधि प्रणाली से हैदराबाद ले लिया, बहुत सारे सिस्टम्स को उसने कैप्चर करना शुरू किया। डलहौजी आया, डलहौजी ने कहा सब खत्म है ना, फिर फाइनली 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति, उसका जो हीरो रहता है, क्या नाम उसका, मंगल पांडे। हीरो कैसे बन गया वो, मंगल पांडे कैसे हीरो बन गया, अकेला था वो, एक तो था पांडे, वो ब्राह्मण आदमी है ना, और ब्राह्मण आदमी धर्म के प्रति बड़ा संवेदनशील होता है, आज भी है, पहले भी था, पहले ज़्यादा था है ना। तो क्या हुआ कि बड़ा, मैं थोड़ा सा कुछ स्टोरी है, देखो अभी स्टोरी है सुन लो, ठीक है, वैसे तो मैं पूरा इतिहास आपको कहानियों सुना सकता हूँ, लेकिन फिर भी कम समय में चीज़ें जान लो। मंगल पांडे एक दिन शिव भक्त था, भगवान के लिए जल चढ़ाने डेली जाता था, तो एक दिन जल चढ़ाने के लिए निकल ही रहा था, तभी रास्ते में एक जो होता है ना, जो सफाई करते हैं, क्या बोलते हैं, जमादार, तो अछूत होते हैं, आप भी नहीं छूते हैं सुबह सुबह, छूते कि नहीं छूते है ना, तो जमादार झाड़ू लगा रहा था, उसने मंगल पांडे को पकड़ लिया जानबूझ के। अब वो बेचारा पूजा करने जा रहा है, उसने कहा कि तुमने मुझे कैसे पकड़ लिया, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं नहा के आया हूँ, दुनिया भर की बातें कही। बोला तुम कहाँ के पवित्र हो गए, डेली मांस मदिरा खाते हो। बोला मैं कहाँ मांस खाता हूँ। बोला जो बंदूक लिए हो, इस बंदूक की जो गोली है उसकी ग्रीस है, वो सूअर की चर्बी है, गाय की चर्बी है, डेली अपने दांतों से खींचते हो, जो मांस खाता हो वो कहाँ का पवित्र है। मंगल पांडे सनक गया, बोला ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्या बोल रहे हो तुम। अंग्रेजों का बड़ा भक्त था वो भी, बताया ना सब भक्त थे, जैसे आज भी कुछ लोग भक्त हैं वैसे भक्त। तो अंग्रेज अधिकारी के पास गया कि साहब ऐसी ऐसी बात बोली जा रही है, बाहर बड़ा फैला हुआ है, ये क्या बात है। अंग्रेजों ने कहा नहीं, हम आपके साथ क्यों, आपके धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन धर्म बड़ा संवेदनशील क्षेत्र होती है, हम आपके धर्म के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसी समय क्या हुआ कि छापे पड़े बड़े स्तर पे, एक अंग्रेजों ने एक कोई बाहर से आया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, यहाँ पे बड़ा तस्करी होती थी, अस्त्रों शस्त्र की तस्करी होती थी, ये क्रांतिकारी उस समय बहुत सारे ऐसा सुनाई दिया कि क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में चल रही हैं, जो भारत में विद्रोह हो रहे हैं, तो यहाँ पे तस्करी हो रही है औजारों की। तो उस समय एक आयोग आया, उस आयोग ने एक पारसी को पकड़ा, पारसी बड़े स्तर पर तस्करी करता था, तो पारसी को पकड़ा गया, बोला गया कि भाई तुम्हारा लाइसेंस रद्द किया जाता है, तुम्हारे जितने काम हैं धंधे हैं सबको जब्त किए जाते हैं। पारसी खुन्नस में आ गया, खुन्नस में आने के बाद वो गया मंगल पांडे और बाकी उसके टीम के पास, बोला कि सही बोल रहा था वो जमादार, तुम्हें भरोसा नहीं है, अरे मैं बंदूक बेचता था अभी तक, मैं तो वहाँ से खरीद के लाता जहाँ से चर्बी लगाई जाती है, उन्हें वो कारखाना ले गया जिस कारखाने में पूरा काम हो रहा था। मंगल पांडे ने आँखों देखी, आँखों देखने के बाद गया उस अंग्रेज हुकूमत के पास, बोला देखा सर जी, बड़ा आप लोगों का सह लिया, बड़ा सुन लिया, बड़ा आपका रेस्पेक्ट कर लिया, आज तक आपने मेरी वफादारी देखी है, आज बगावत देखिएगा आज के बाद। अपनी बंदूक रखता है और चलाता है, ठीक है। इसके बाद प्लानिंग होती है कि भाई पता चलता है, देश में फैल जाता है बड़े बड़े जगहों में कि बैरकपुर की छावनी के जो सैनिक हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया, इधर नाना साहब और टाटा टोपे बिल्कुल बैठे थे, इनके साथ भी सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ था, अंग्रेजों ने सबके साथ कुछ गलत किया था, ठीक है। क्या क्या गलत, जैसे कि उनको पेशवाई ख़त्म कर दी, सतारा रियासत को जब्त कर लिया, इसके बाद यहाँ पे जहाँ से लक्ष्मीबाई के साथ गलत हो चुका था, वाजिद अली शाह को सब जानते हैं है ना, जूती कांड उसका हुआ था जो, तो वाजिद अली शाह के साथ घटना हुई थी, वाजिद अली शाह के बाद जो है और भी बहुत सारी घटनाएं, मैं आपको क्रम से बहुत सारी घटनाएं घटाऊं तो
किधर यू सही बात है, एक जूता कांड अभी भी हुआ है। तो होलिस्टिक अप्रोच में देखे, करंट से मत जोड़ो, देखो वो अलग कांड था। तो फाइनली यूपीएससी देता पढ़ता तो पढ़ेगा। हाँ नहीं ठीक है, आज़ादी में टाइम है, अभी स्वतंत्रता संघर्ष बाकी है, बड़ा सेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कल्चर में चलेंगे, टेंशन ना लो, कल्चर में भी इंटर करेंगे। कल्चर बहुत आसान चीज़ है, जब मैं बोलता जाऊँगी भाई समझाया मैंने, ये चीज़ें बताएं, लिंक होता चला जाएगा। इसके बाद जो है मंगल पांडे, पूरी प्लानिंग हुई, तात्या टोपे पहुँचे, तात्या टोपे ने कहा कि ऐसा करते हैं कि देश में क्रांति लाते हैं, अब अपने लिए मत लड़ो, भारत के लिए लड़ो, एक भारत के लिए लड़ो, भारत की गुलामी और दास्ता को ख़त्म करना है हमें। तो मंगल पांडे ने कहा कि ठीक है ऐसा करते हैं, 31 मई को पूरे देश में क्रांति लाएंगे, एक साथ जहां भी भारतीय सैनिक है सब विद्रोह कर देंगे। डेट निर्धारित हो गई, लेकिन डेट से पहले ही घटना घट गई। अंग्रेजों को पता चल गया, लीकेज हो गया, लीकेज के बहुत सारे तरीके वो रखते थे, गुप्तचरी विभाग, गुप्तचरी क्या, एक सैनिक की ही महिला थी जो अंग्रेजों के यहाँ काम करती थी, और उसी महिला ने जा करके बता दिया कि साहब ऐसे ऐसी प्लानिंग बन रही है। फिर उसके पति को पकड़ा गया और इसका खूब पीटा गया, उसे पीटने के बाद पूछा गया क्या प्लानिंग है, उसने सारी चीज़ें बता दी। 24 अप्रैल को ही पूरी घटना घट गई, 24 अप्रैल को ही मंगल पांडे की जो बैरकपुर छावनी थी उसकी आधे जवानों को बहरामपुर ले जाया गया, उधर से बर्मा से बटालियन बुला ली गई पूरी, और इसके बाद फाइनली 1857 की क्रांति का पहला बिगुल, या जिसे आप बेंचमार्क समझते हैं, मंगल पांडे पकड़ा गया, फांसी में लटका दिया गया। उसके बाद मेरठ में घटना हुई आपके, मेरठ में जो है काफ़ी सैनिकों को जो है उन्होंने भी मना कर दिया, उनको जेल में डाला गया, उनके सैनिकों ने छुड़ाने के लिए हंगामा खड़ा किया, और उसके बाद यहाँ पर आए बूढ़े बाढ़े व्यक्ति दिल्ली में, पकड़े बहादुर शाह जफर को, बोले तुम हमारे राजा हो, बोले हाँ मैं बिल्कुल हूँ। उसके बाद उस बूढ़े बाढ़े आदमी की ज़िंदगी बेचारा रंगून भेज के मार दिया गया। तो 1857 की क्रांति एक बड़ी घटना, क्षेत्रीय स्तर पर सब एक्टिव हुए थे, लक्ष्मीबाई भी एक्टिव हो गई, हजरत बेगम महल भी एक्टिव हो गई, कानपुर में नाना साहब एक्टिव हो गए, कुंवर सिंह एक्टिव हो गए, सब एक्टिव हो गए अपना अपना अपने अपने एरिया पे। चलो अलग इशू है, लेकिन 1885 के बाद देखो बहुत सारी, अब इसमें भी एक कहानी, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसे नहीं बन गई। ए ह्यूम जो था सिविल सर्विस सर्वेंट, जिसके बारे में आप जानते हैं, ये थोड़ा सा धार्मिक व्यक्ति था, और ये तिब्बत में कहते सन्यासी थे, उसके पास जाया करता था, कई बार सपने में भी आते था उसके ये, ठीक है, सिद्ध योगी बोलते थे उसको। तो सिद्ध योगी ने बताया कि भारत में एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है और अंग्रेजी हुकूमत ख़त्म होने वाली है, ऐसा कुछ करो जिसके कारण से भारत में तुम्हारी हुकूमत बच जाए। उसने ये घटना डफरिन को बताई कि भाई एक सिद्ध योगी हैं, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बताया है। डफरिन ने कहा क्या मजाक कर रहे हो, कौन करेगा यहाँ पे, पता भी है ब्रिटिश साम्राज्य कितना मजबूत है। तो जब ऐसी पूरी कहानी हो रही थी, लेकिन फिर भी ए ह्यूम की बात, ए ह्यूम फिर ब्रिटेन गए, इसके बाद वो दिल्ली कोलकाता में उन्होंने छात्रों को संबोधित किया, फाइनली एक बना संगठन, पहले उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, सॉरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ, ऐसे करके बना था उसका नाम, राष्ट्रीय कांग्रेस संघ, नेशनल कांग्रेस यूनियन करके शब्द बना था। तो तभी उन्होंने कहा दादा भाई नरोजी ने कि क्या यूनियन यूनियन कर रहे हो, यूनियन नहीं कांग्रेस, एक सम्मेलन बनाइए इसे। फिर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया, और 1885 में एक संस्था का जन्म हुआ जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और आज़ादी की, भारत की आज़ादी को एक बड़ा मंच मिल गया इसके माध्यम से। बड़ा मंच कुछ नहीं था, अपने विचारों को रख रहे थे ये लोग, एक मंच पे जा करके ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। तभी कुछ लोगों ने कहा चार दिनों का तमाशा है, कुछ लोगों ने कहा कि बस वैकेशन मनाने जाते हैं। तो शुरुआत में 15 साल कुछ नहीं हुआ, ठीक है, 1885 से लेकर 1950 तक हुआ तो, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मैंने मास्टर वीडियो में बताया था उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी कैसे कैसे तरीका था, उसमें चर्चाएं हुई थी मैंने, अब आप लोगों को याद रहा हो नहीं याद रहा हो पता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बताया था कि उदारवादियों ने कुछ नहीं किया तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर दी। उसी के अलावा और पैरेलल बहुत सारे मंच चल रहे थे, एक मंच आपका चल रहा था क्रांतिकारियों का मंच, क्रांतिकारी चल रहे थे, वामपंथी चल रहे थे, साम्यवादी चल रहे थे, महिलाएं अलग चल रहे थे, श्रमिक आंदोलन अलग चल रहे थे, बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे भारत में। भारत की आज़ादी का श्रेय कांग्रेस को देना सर्वथा अनुचित है, भारत के सभी लोगों ने मिलकर भारत की आज़ादी को आज़ाद कराया। तो एक कहानी बड़ी लंबी चलती रही, लोग अपने जान को निछावर करते चले गए, और फाइनली
इसके बाद उग्रवादी चरण आया। उग्रवादी चरण में लालबाल पाल आप जानते ही हैं, देश को उन्होंने गुट किया, बाद में सूरत फूट पड़ गई। सूरत फूट के बाद 1909 का माल्यमेंटो सुधार आया, उसके बाद 1916 में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने इसे प्रारंभ किया, ठीक है। फिर इसके बाद क्रम से आप चलते चले जाएंगे तो आपका 1920 में 1915 में एक आदमी का उद्भव हुआ भारत में, है ना, बाहर लौटा, घर का लौटा, क्या नाम था, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी लौट के आए, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, भारतीयों को खूब प्रोत्साहित किया कि जाओ जाओ लड़ो लड़ो लड़ो, अंग्रेज संकट में, अंग्रेज समर्थक थे। बाद में धीरे धीरे उन्हें जब अंग्रेजों की नीतियां पता चली तो फाइनली उन्होंने अंग्रेज विरोधी हो गए। 1917 का चंपारण, चंपारण के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद खेड़ा, खेड़ा के बाद असहयोग, असहयोग के बाद सविनय अवज्ञा, फिर भारत छोड़ो, ऐसे करके लगातार आंदोलन हुए और भारत फाइनली आज़ाद हो गया, ठीक है। आज़ाद होने में बहुत सारे तत्व हैं जो भारत को आज़ाद कराए। भारत की आज़ादी एक आंदोलन थी, ना कि क्रांति थी। तो 1947 तक की एक घटना है, प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ से चालू होता है और ख़त्म होता है यहाँ पे हर्ष के पास। मध्यकाल का इतिहास राजपूत काल से शुरू होता है और ख़त्म होता है औरंगजेब पे। औरंगजेब की मृत्यु से ही भारत का मध्यकालीन भारत खत्म हो जाता है और औरंगजेब के बाद से प्रारंभ होता है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि 1947 तक रहा। और 1947 के बाद भारत स्वतंत्रता के उपरांत भारत, और जो आज चल रहा है इसको बोलते हैं करंट हिस्ट्री, समसामयिक इतिहास। डेली पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स ये भी एक इतिहास है। आज की घटना कल इतिहास बन जाएगी, कल की घटना कल परसों इतिहास बन जाएगी, तो एक आज भी इतिहास जिंदा है। अब देखो इन सभी कालों में जितने भी काल रहे, चाहे ये काल ही क्यों ना रहा हो, एक संस्कृति थी, एक सभ्यता थी, यहाँ पर भी आर्ट एंड कल्चर था, यहाँ पर भी मानव चित्रकला का काम करता था आर्ट, यहाँ पर मध्य पाषाण काल में ही मानव ने चित्रकला करना शुरू कर दिया था, है ना, भीमबेटका की गुफाओं में वो प्रमाण हमें मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मानव के जीवन जीने का पूरा तरीका हम इसे जानेंगे, कैसे रहता था, कैसे खाता था, कैसे पीता था, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय जीवन जानेंगे, वैदिक सभ्यता का पूरा जीवन जानेंगे। फिर ऐसे करके मैं क्रम से पढ़ाऊँगा, मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊँगा आपको। फिर मैं मौर्य काल में आऊँगा तो मौर्य काल में क्या शुरू हो गया, वहाँ पर स्तूप बनने लगे चूँकि बौद्धिज्म था, स्तूप के बाद आपके बड़ी बड़ी गुफाओं का निर्माण होना चालू हुआ, मंदिर स्थापत्य गुप्त काल में चालू होता है, मंदिर स्थापत्य वहाँ पर आएंगे। तो कहाँ से क्या चीज़ उद्भव हुई, एक एक काल को लेकर के चलेंगे, जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया ना, इसी क्रमबद्धता से सारा पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब एक एक इतिहास हम लोग समझेंगे, अब आप लोग तैयार हो जाइए, अब आपका नंबर है। तो प्रारंभिक परीक्षा में ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, लेकिन प्रारंभिक क्वेश्चन आएंगे, देखो जितना कुछ मैं लिखवाऊंगा सबसे क्वेश्चन आएंगे, मैं धर्म में अलवार नैनार ये सब क्वेश्चन आते हैं, आप जाके उठा के देखिए। आप लोगों से अपेक्षा ये है कि आप पिछले साल के क्वेश्चन ले लीजिए, पहली चीज़ तो ये, कल्चर के भी देखिए और पीटी में भी देखिए। मैंने घटना चक्र आपको बताइए कि घटना चक्र में दिए गए हैं क्वेश्चन, बाकी विशाल पब्लिकेशन है, किसी भी पब्लिकेशन का आप पिछले साल का मेंस ले लीजिए, आपको एक आइडिया तो लगे जो चल रहा है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसलिए हमें कल्चर के क्वेश्चन जो है, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस भी करूँगा, अभी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मुख्य परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, देखो एक क्वेश्चन है, सिर्फ सुनिए आप लोग, ज़्यादा कुछ मत करिए, ज़्यादा दिमाग लगाना, दिमाग है नहीं तो लगाएं क्यों, है ना, हाँ लिखिए। पहला क्वेश्चन है, समझते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं समझते। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कलाओं में लोक वर्ण विषयों एवं कथानकों पर चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों का सफलतापूर्वक प्रतिपादन करती हैं, व्याख्या करें। कहने का तात्पर्य यह है कि बौद्ध स्तूप किस प्रकार से बौद्ध आदर्शों को दिखाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि बौद्ध स्तूपों में ऐसा क्या क्या होता है जो बौद्ध धर्म को जोड़ते हैं, उसके मेधी का मतलब क्या है, उसमें प्रदक्षिणा पथ का मतलब क्या है, तोरण द्वारों का मतलब क्या है उसमें, है ना, उसमें जो ऊपर अंड बना हुआ है उसके ऊपर छतरी लगी हुई है, उसमें हर्मिका जहाँ पर है, सबका क्या क्या मीनिंग होता है, उसको आपको बौद्धिज्म से जोड़ना है। चैत्य का मतलब क्या है, बिहार का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आप जोड़ेंगे इस क्वेश्चन में जब मैं पढ़ा दूंगा। देखो ऐसा क्वेश्चन ही आया, अब ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, ये आईएएस के क्वेश्चन है, पीसीएस के जब आएंगे तब देख लेंगे, तो इस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के कोई बताएगा कितने वंश थे विजयनगर साम्राज्य में, चार वंश थे, हाँ बताइए, चारों वंश विजयनगर साम्राज्य के,
हाँ वो संस्थापक थे, वंश कौन कौन से थे? अभी जैसे मगध साम्राज्य मैंने बताया ना कि मगध साम्राज्य में हर्यक थे, शिशुनाग थे, नंद थे, मौर्य थे, वैसे विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन थे? हाँ अरिबिडु, हाँ ये चार वंश, संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश, अरिबिडु वंश, है ना, ये चार वंश थे। इन चारों वंशों में सबसे महत्वपूर्ण शासक, कई शासक हुए हैं वैसे, लेकिन कृष्णदेव राय बड़ा प्रमुख शासक के रूप में निकले। कृष्णदेव राय के बारे में यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ना केवल स्वयं एक कुशल विद्वान थे बल्कि शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक भी थे, चर्चा करें। ठीक है, अब ये भी शिक्षा और साहित्य में क्या उनकी भूमिका है। वैसे मैंने पहले जो इतिहास पढ़ाया उसमें विजयनगर साम्राज्य ये सब पढ़ाया है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने भारत में, देखो करंट से जोड़ दिया, वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के मूल को किस हद तक प्रभावित किया, ये कहने का क्या चाहता है? भारतीय संस्कृति को वैश्वीकरण ने कैसे प्रभावित किया? वैश्वीकरण समझते हैं ना, है ना, पूरे विश्व एक गाँव के रूप में तब्दील हो चुका है, है ना, कोई घटना कहीं और, आर्थिक रूप से ही नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से। आज हमारे, अब देखो जैसे चाइनीज मटेरियल, उसी को देखो, चाउमीन को देखो, चाउमीन कहाँ कहाँ तक आ गया है, सब जगह। चाउमीन सिर्फ चाउमीन तक नहीं रह गया, आपके एग रोल में भी चाउमीन चला गया है, खान पान की हर जगह पे। यानी कि वैश्वीकरण है ये, पश्चिमी सभ्यता के पहनावे, आज हमारी संस्कृति में हमारे ये नहीं पहनते थे हम कभी भी, हमारे ऋषि मुनि तो धोती कुर्ता पहनते थे, ये हमारा पहनावा नहीं, ये पश्चिमी सभ्यता का द्योतक है। हम बाल बड़े रखते थे हमेशा, हमारे ऋषि मुनियों के बाल बड़े होते थे, आज जो हम खड़े हैं पश्चिमी सभ्यता का परिचायक के सभ्य बन के, छोटे छोटे बाल कटवा करके। तो किस तरीके से पश्चिमी सभ्यता को हमें ग्राह्य कर लिया, किस प्रकार से अब संस्कृतिकरण हो गया। अब अभी इस समय अब संस्कृतिकरण का समय चल रहा है, अब कोई कल्चर नहीं, अब सारे कल्चर एक बन रहे हैं। अब आदमी कहता है अरे सब ये सब छोटी चीजें, जाति पात के लोग नहीं मानते, अब तो अनुलोम विवाह भी हो रहे हैं, प्रतिलोम विवाह भी हो रहे हैं, दोनों प्रकार के विवाह हो रहे हैं। हमारे यदि हमारे ऋषि मुनियों की बात करें तो ऋषि मुनियों ने अनुलोम विवाह को हमेशा महत्व दिया, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? अनुलोम विवाह का मतलब समझते हैं, लड़की ऊंचे कुल में जाएगी, समझ रहे हैं, शूद्र लड़की यदि शूद्र है, लड़का यदि ब्राह्मण है तो शादी हो सकती है, लेकिन यदि ब्राह्मण लड़की है तो शूद्र के साथ शादी नहीं हो सकती। यानी लड़की हमेशा ऊंचे कुल में ही जाती है, ऊंचे गोत्र में जाती है, लड़की कभी नीचे गोत्र में नहीं जाती। उसके रीजन है, वैज्ञानिक कारण है, जेनेटिक्स कारण है, क्यों? यदि ऐसा हम कर देंगे तो उनका जो अगला प्रोडक्ट निकलेगा, यानी जो ब्रीड निकलेगा, उसमें कुछ डिफेक्ट होंगे। क्या डिफेक्ट होंगे? जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मैं हूं, मेरे फादर है, मेरी मदर है, मेरी नाक जो है, मान लो हो सकता है, जैसे मेरी लंबाई की बात करें, मेरे फादर थोड़ा सा हाइट में कम है, मेरी मदर लंबी है, तो जो जब दोनों का जीन आपस में मिला तो मेरे फादर का स्मॉल जीन मेरे मदर के टॉल जीन ने मेरे मदर फादर के जीन को खत्म करके प्रभावी कर दिया, आज मेरी हाइट लंबी हो गई, समझ रहे हैं। यानी कि जो स्त्री होती है, जो महिला होती है, जो फीमेल होती है, उसको जो जेनेटिक लक्षण होते हैं वो बच्चों पर प्रभावी होते हैं। तो हमेशा महिला को ऊंचे कुल में भेजना है ताकि महिला के जो डिफेक्टेड जीन कभी उसके ऊपर प्रभावी ना हो जाए, ना कि ताकि आगे की भीड़ कमजोर पड़ जाए। इसीलिए शादियां एक गोत्र में नहीं होती, एक कुल में नहीं होती, एक गांव में भी शादी नहीं करनी चाहिए, शादियां दूर दूर होनी चाहिए, जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा मटेरियल निकलेगा अगला प्रोडक्ट, समझ रहे हैं। ये सब चीजें बहुत वैज्ञानिक ऋषियों ने बड़ा रिसर्च करके सब बनाया, गोत्र कुल पद्धति, तभी आपके गुण और गण मिलाए जाते हैं, यदि गुण गण नहीं मिलते तो शादियां नहीं होती हैं, सबका विज्ञान है। हाँ ये भी बात सही है, लेकिन कोशिश करो खुद आप जागरूक रहो, ऐसे विवाह ना करो, ये सब विज्ञान है, इसमें कोई वो नहीं है। नहीं पता चला कि बच्चा जो है ऐसा पैदा हुआ जो मंद बुद्धि है, बोला पाप, तो फिर वो कुछ नहीं होता। नहीं अमेरिका नहीं, नेपाल जा सकते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये किस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक विविधता को वैश्वीकरण ने प्रभावित किया, ये भी हम समझेंगे, कैसे हमारे खान पान को, कैसे हमारे रहन सहन को, कैसे हमारे जीवन जीने के तरीके को, कैसे वैश्वीकरण ने प्रभावित किया, जब वैश्वीकरण पढ़ाऊंगा क्या प्रभाव हुआ भारतीय संस्कृति पर समझेंगे, कैसे महिलाओं की स्थिति बदली, है ना, बहुत चीज़ें हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आगे नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, कैसे लिंक करता है यूपीएससी, बड़ा अच्छा लगता है। 2015 का क्वेश्चन है ये, भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा होगा, भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया तथा यूनान के लोगों की प्राचीन सभ्यता से किस प्रकार से भिन्न है,
यानी कि ये क्या कह रहा है कि भैया आपको अपना कल्चर भर नहीं पढ़ना है, आप एक बार मेसोपोटामिया को भी देख लेना, कंपेयर करके देख लेना दोनों कल्चरों को, ठीक है, किस प्रकार से भिन्न है, तथा इसकी सांस्कृतिक और परंपराओं को आज तक बिना खंडित हुए बिना संरक्षित रखा गया है, क्यों? बाकी के संस्था बोलते ना, एक बहुत अच्छी लाइन है एक शायर की, क्या है संस्कृति के बारे में, कोई बताएगा? हाँ, शायर का नाम? हाँ, अरे बैठे तो हैं हमारे बीच में, हमारी संस्कृति निरंतर है, खत्म नहीं हुई। मिस्र की सभ्यता खत्म हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता खत्म हो गई, चीन की सभ्यता खत्म हो गई, माया सभ्यता खत्म हो गई, इंका सभ्यता खत्म हो गई, भारतीय संस्कृति निरंतर है, कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है? अच्छा कोई बताएगा क्यों कंटिन्यूअस है, क्यों हमारी संस्कृति खत्म नहीं हुई, क्या कारण है? लोचशीलता, एडेप्टेशन, हम दूसरे के विचारों को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, सम्मिश्रित कर लेते हैं, हमारे अंदर अकड़पन नहीं है हमारी संस्कृति के प्रति। यदि कोई चीज़ अकड़पन में होती है टूट जाती है, थोड़ा सा भी उसको मोड़ेंगे टूट जाएगी, यदि कोई चीज़ लचीली होगी तो पूरी है ना। तो हमारा कल्चर और पश्चिमी सभ्यता के कल्चर में अंतर है, उनके कल्चर में एक रिजिडिटी थी, कठोर था वो कल्चर, वो आज इसलिए उनके नामो निशान नहीं है। आज हमारे संस्कृति का नामो निशान क्यों है? क्योंकि हमारी संस्कृति लोचशील है, यही पूछ रहा है। कह रहा पहले बताओ किस प्रकार से भिन्न है, फिर ये बोल रहा है कि कैसे हमारी सतत है उनकी क्यों नहीं रही, ये क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन 150 वर्डों में लिखना है, यानी बड़ा स्किल चाहिए, बहुत अच्छी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि 75 शब्दों में आप बताएं कि क्यों भिन्न है और 75 शब्दों में आप बताएं कि क्यों लोचशील रही हमारी संस्कृति, ठीक है। कौन कौन से धर्म आए, कौन कौन से धर्म आकर के जुड़ते चले गए, कौन कौन सा समाज जुड़ता गया है ना, ये सब पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ से बनाते हैं क्वेश्चन, कौन बनाता है क्वेश्चन, अपने आप में यही बड़ी बात है यूपीएससी का, इसलिए बड़ा नॉर्मल नहीं पढ़ना हमें, बड़ा डिटेलिंग पढ़ना पड़ेगा तभी हम चीज़ों को कर पाएंगे, ऊपरी ज्ञान से नहीं होगा इसका। देखो अगला क्वेश्चन आपको हिला के रख देगा, भारत का मध्य पाषाणकालीन प्रस्तर स्थापत्य, यहाँ पे आ गया, भारत का मध्य पाषाणकालीन प्रस्तर स्थापत्य, आदिमानव कैसे पत्थर स्थापत्य करता था, भारत का मध्यकालीन पाषाणकालीन प्रस्तर स्थापत्य न केवल अपने समय में सांस्कृतिक जीवन को दर्शाता है बल्कि यह सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से भी आधुनिक चित्रकला के साथ तुलनीय है। अभी क्या कह रहा है? तुलनीय है, इस पर टिप्पणी कीजिए और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है चित्रकला आज नहीं पैदा हुई, यहाँ से पैदा हो गई थी। अब आपको जानना पड़ेगा कि ये क्या है। देखो इस समय की चित्रकला, आप भीमबेटका की गुफाओं को नेट पे सर्च कीजिए तो यहाँ पे किस तरीके से उसने किया आर्ट एंड कल्चर में, चित्रकला में क्या फ्रेस्को सेको होती है, कैसे उसने पेंटिंग्स बनाई, आज भी क्यों वो पेंटिंग जिंदा है, पेंटिंग उसने, अब देखो वहाँ पे पेंटिंग क्या बनाई उसने, जैसे उसकी जीवन पद्धति थी, जैसे डेली जीता था वो किसी का शिकार कर रहा है, शिकार करते हुए व्यक्ति को दिखा रहा है, ये क्या है, वो उसका जीवन शिकारी है, वो ये दिखा रहा है। कभी वो समूह पे रह रहा है तो दिखा रहा है कि हाँ समूह पे रहना शुरू कर दिया, कभी वो पशुपालन भी दिखा रहा है ना। तो वो अपने जीवन, वो ये क्वेश्चन का पहला टर्म्स क्या है, पाषाणकालीन प्रस्तर स्थापत्य ना केवल अपने सांस्कृतिक जीवन को दर्शाता है बल्कि ये शास्त्रीय दृष्टि से आधुनिक चित्रकला से जुड़ा हुआ है। आसान है, ठीक है, लेकिन आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि आधुनिक चित्रकला को कैसे मध्यकालीन चित्रकला से जोड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा हमें तभी हो पाएगा काम, ठीक। ऐसा क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विविधता को दर्शाने वाले चार कारकों का वर्णन करें, राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करने में इनके तुलनात्मक महत्व को भी दर्ज करें। क्वेश्चन क्या है, भारत में विविधता को दर्शाने वाले, भारत में अच्छा विविधता किन किन चीज़ों पर हमें दिखाई देती है, भाषा के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पे, और नस्ल के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, खान पान के आधार पर, बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम सब अलग हैं। जितने आप लोग बैठे हैं अब यहाँ पे, सब रंगीन लोग बैठे हैं ना, रंग बिरंगे लोग, विचारधारा के आधार पर, क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति दिख रही है, कोई टी शर्ट में है, कोई शर्ट में है, कोई जीन्स में बैठा हुआ है,
कोई धोती कुर्ता वाला तो खत्म हो चुका है ना। साउथ में लुंगी चलती है, धोती कुर्ता इधर है आपका पर्वतीय क्षेत्रों में। लुंगी वाला तो आराम से लुंगी लगा के, वो आरामदायक है लेकिन, ठीक है। तो तो ओवरऑल जो है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो विविधता वाले कारक हैं किस प्रकार से भारत की राष्ट्रीय एकता को स्थापित करते हैं। बड़ा आसान है क्वेश्चन, विविधता में एकता वाले विषय वस्तु को लेकर के ये क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। मैं दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा जब तो सब समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी नियोजन और संस्कृति ने किस हद तक वर्तमान समय के शहरीकरण के लिए प्रेरणादायक तत्व प्रदान किए हैं, उपलब्ध कराए हैं, टिप्पणी कीजिए। अब ये सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ के यदि आप रह गए तो रह गए, यहाँ पे तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ की कहानी अलग है, तो यहाँ पे इस लेवल का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गंधार मूर्तिकला, मूर्तिकला के तीन स्कूल थे, गंधार मूर्तिकला क्षेत्र, मथुरा कला मूर्ति क्षेत्र और अमरावती कला क्षेत्र, है ना। तो गंधार मूर्तिकला रोमन वासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी की यूनानियों की, व्याख्या कीजिए। ये NCERT क्लास 11th की एक लाइन लिख दी है इन्होंने, क्लास 11th की NCERT में ये लाइन लिखी हुई है, उस लाइन को ऐसे उठा के ऐसे पेस्ट कर दिया, कट कॉपी पेस्ट। अब उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, लाइन बन लिखी है, उसी लाइन को उठा दिया। अब इसको आपको समझना पड़ेगा। दरअसल क्या था कि गंधार कला शैली यूनानियों से मिली हमें, लेकिन यूनानी कला शैली यूनानियों को रोमन से मिली, इसी चीज़ को बताना है। क्या बताना है आपको, ये बताना है कि दोनों मूर्ति कला शैली में क्या तुलनात्मक जुड़ाव है, रोमन और यूनानी में क्या जुड़ाव है और यूनानी क्या गंधार में जुड़ाव है। आपको तत्व बताने पड़ेंगे कि यहाँ की मूर्तिकला का विषय वस्तु क्या है, है ना। मूर्ति के पीछे आभामंडल प्रभामंडल होता है कि नहीं, मूर्ति में यथार्थ चित्रण होता है कि नहीं, मूर्ति में जो है जो आध्यात्मिक रूप है कि नहीं, मूर्ति में शासक के प्रिंसक लुक को दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया, घुंघराले बाल है बुद्धा के कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। विभिन्न मुद्राओं में दिखाए गए हैं बुद्धा, ठीक है, कभी धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, कभी भूमि स्पर्श मुद्रा में, कभी बहुत सारी मुद्राएं अभी मुद्रा में, कभी बरद मुद्रा में, सारी मुद्राएं भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को कि कितनी मुद्राएं होती हैं। इससे भी क्वेश्चन आया है, PT में आया था कि जब बुद्ध को काम वासना घेरती थी तो बुद्ध क्या करते थे, उनकी एक मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा, काम की देवी मार को वो एक बार बुलाते थे और उससे प्रतिज्ञा करते थे कि मैंने अपने दृढ़ निश्चय को तोड़ा नहीं है, तो आवाहन करते थे काम वो जमीन को। कभी आप जाएंगे संग्रहालय वगैरह तो बुद्धा कई मूर्तियों में जमीन पे हाथ रखे हुए हैं, वो भूमि स्पर्श मुद्रा है उनकी, जो इसका प्रतीक है कि हमेशा अपनी शुद्धता और शुचिता का वो प्रमाण देते रहते थे, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि यूनानी कला कैसे रोमन से प्रभावित है, रोमन कला कैसे गंधार कला से प्रभावित है, ये सब डिटेलिंग से ही हो पाएगा। देखो इतना जो ऊपरी ऊपर पढ़ेगा पढ़ने से नहीं हो पाएगा, कुछ अलग तरीके से अलग लोग सीधा सीधा सिंपल गंधार पढ़ के निपट लिए, उन्हें नहीं पता UPSC है, वो सीधा पूछेगा ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूफी और मध्यकालीन रहस्यवादी संत हिंदू मुस्लिम समाज के धार्मिक विचारों और प्रथाओं या उनकी बाहरी संरचना किसी को भी उल्लेखनीय स्तर पर संशोधित करने में विफल रहे, टिप्पणी कीजिए। अब पहले पता होगा तभी तो करेंगे टिप्पणी, है ना। तो पहले आपको सूफी संत पढ़ने पड़ेंगे, भक्ति के आंदोलन के संत पढ़ने पड़ेंगे, दोनों ने क्या परिवर्तन किए क्या नहीं कर पाए ये भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक समझना होगा। क्या नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यद्यपि देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मैंने संगम काल यहाँ पढ़ाया था, प्राचीन भारत में संगम काल से ही क्वेश्चन आया है, यद्यपि संगम साहित्य दक्षिण भारत के जुड़े राजनीतिक इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी नहीं है, पर यह अपने समय की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को उल्लेखनीय रूप से दिखाता है। मैंने आपको बताया था शिल्पाधिकारम, है ना, शिल्पाधिकारम में कणकी की पूरी कणकी की एक कहानी बताई थी, ठीक है, यहाँ पे क्लास में मैं प्राचीन भारत जब पढ़ा चुका हूँ। तो शिल्पाधिकारम हो गया, तोलकाप्पियम एक व्याकरण ग्रंथ है वहाँ का, पट्टुपट्टे है, ऐसे करके बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में क्या संगम साहित्य की राजनीतिक क्षमता मिलती है। अच्छा कोई बताएगा शिल्पाधिकारम को किसने लिखा, हाँ सही बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन पहले पता होगा तब आप कर पाएंगे। लोग आमतौर पे संगम साहित्य वगैरह छोड़ देते हैं, छोड़ यार कोई काम नहीं, पूछता इसी क्षेत्रों से है। अगला क्वेश्चन है, भारत के शुरुआती शिलालेखों में दर्ज टांड नृत्य, टांडव नृत्य की विवेचना कीजिए। तो पहले तो टांडव पता होना चाहिए कि टांडव नृत्य है क्या, है ना, क्या है टांडव नृत्य, कौन करता है। फिर टांडव नृत्य में जो नटराज की मूर्तियाँ मिली हैं चोलकालीन पल्लवकालीन में क्या अंतर है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पूरा एक एक मूर्ति कला को हमें पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, चोल वास्तुकला मंदिर वास्तुकला के विकास की दृष्टि से कुछ स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, चर्चा करें। चोल वास्तुकला और मंदिर वास्तुकला दोनों को आपस में जोड़ना है कि चोल वास्तुकला ने किस प्रकार से मंदिर वास्तुकला को प्रभावित किया। इसमें द्रविड़ कला शैली आपको दिखानी है, चोलकालीन कौन कौन से द्रविड़ कला बने, कौन कौन से, महाबलीपुरम का मंदिर बना है ना, सौर मंदिर बना, जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, बाय एग्जाम्पल लिखनी पड़ेंगी, आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, सब पे मैं डायग्राम बनवाता चलूँगा कि देखो इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बांसुरी बजाते कृष्ण के विषय में भारतीय कला के बहुत लोकप्रिय है। आप देखते रहे कृष्ण हमेशा देखेंगे बांसुरी बजा रहे हैं, अब बताओ क्यों बजा रहे हैं। ठीक है, अब ये कल्चर के प्रोस्पेक्टिव से आपको देखना है, बांसुरी को कैसे आप कृष्ण को योगक्षेम दिखा सकते हैं, उसमें बांसुरी में क्या मतलब, संगीत से बांसुरी को एक संगीत का माध्यम जोड़, ये क्वेश्चन संगीत से ना कि धर्म से, बांसुरी के महत्व को। नाद योग आप लोगों ने सुना होगा, नाद योग किसी ने सुना है, किसी ने किया है, एक योग होता है नाद योग, जब नाद योग होता है तो नाद योग में डमरू, शिव का डमरू, कृष्ण की बांसुरी है ना, ये बजाया जाता है दोनों एक साथ, दोनों का एक लयबद्धता होती है। नाद योग किया है कि नहीं किया, सब अच्छा पढ़ा भर है, सपेरे तक ही रह जाएंगे आप कह रहे हैं नादियोग सपेरे करते हैं अच्छा एक बांसुरी और डंडा लिए हुए। नादियोग का टाइम होता है, उसमें क्या होता है, ये संगीत की ध्वनि बजती है और बजने के बाद आप बिल्कुल सुकून से शांत, आपको बैठना हिलना डुलना नहीं होता, उस संगीत को सुनना होता है, इसे बोलते हैं नादियोग। ठीक है, ये बोला गया कि ब्रह्मांड जब उद्भव हुआ तो एक नाद हुआ, ऐसे करके पूरा उसका महत्व है, कल्चरल प्रोस्पेक्टिव है। चलो अलग बात है, मतलब आप लोग 25 साल की उम्र हो गई, 25 साल की उम्र में सिर्फ किताबों तक का ज्ञान, भारतीय संस्कृति को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, सर्च करना चाहिए, कभी नेट पे चीज़ों को सर्च करो कल्चर के रूप में, आपको क्या क्या मिलेगा, आप खुद अतप्रत रह जाओगे, क्या जीवन है लोगों का। नेक्स्ट, इनके वही ब्लैक वाला हिस्सा दिखाई देता, व्हाइट भी था भाई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पारसीवाद में आग के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। पारसी धर्म है, फायर टेम्पल होते हैं इनमें, है ना, आग का क्या महत्व है पारसीवाद में, ये भी बताना है। तो ये क्वेश्चन है, इसके बाद आपका बाघ रुम्बा लोक नृत्य पर टिप्पणी कीजिए, छोटे छोटे नृत्य, अभी साउथ का नृत्य है, ठीक है, बाघ रुम्बा। अब इसके बाद ऐसे ही आया, नागालैंड के मोत्सू और योत्से त्योहारों के बीच में, अरुणाचल प्रदेश में लाजर और खान त्योहारों के बीच में अंतर बताइए। ये कुछ नहीं है, जो 26 जनवरी की झांकियां निकली उसमें यही त्यौहार दिखाए गए थे उस साल, तो करंट अफेयर्स में ये पूछ लिया गया। तो 26 जनवरी में जो राजपथ में झांकियां निकलती हैं हर एक स्टेट की, उसमें देखना है कि भैया कौन सा त्यौहार क्या दिखा रहा है, कौन सी जनजाति दिखा दिया, कौन से संस्कृत को दिखा दिया, क्या कल्चर दिखा दिया, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसी से क्वेश्चन आए थे करंट में। ऐसे करके ये क्वेश्चन है, देखिए अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं सारे डिस्कस करने लग जाऊंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए हमें ये पढ़ना है। अब मुख्य परीक्षा के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए आप क्रम से लिख लीजिए, एक पूरा सिलेबस की तरह इसको लिख लीजिए। मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय करके हेडिंग डालिए, मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय, क्या क्या कल्चर में पढ़ना चाहिए, क्या क्या मैं लेके चलूँगा आप लोगों के साथ। तो देखो पहली चीज़ डिस्क्लेमर दे देता हूँ, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए तो एक साल तक मैं संस्कृति पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़रूरी होगा। कोई ये ना मेरे पास आके चल दे कि सर को ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया,
मैं एग्ज़ाम को ज़्यादा फोकस करूँगा, ज़्यादा ज्ञान चाहिए तो जैसे ख़त्म हो उसके बाद पढ़ लेना। इसमें कुछ किताबें भी मैं आपको बता दूँगा, यदि कोई ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो एक तो आप लोग नितिन सिंघानिया खरीद ही लिए होंगे, एक किताब आती है एल बाशम की, भारत अद्भुत भारत करके बुक है, ऑस्ट्रेलिया के राइटर है, क्या गजब का लिखा है इन्होंने, भारत के इतिहास को, भारतीय संस्कृति को ऐसा सजीव। देखो भारत में बड़ी विडंबना है, हमने राजनीतिक इतिहास तो बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है लेकिन भारत की संस्कृति किसी ने नहीं लिखा है। एएल बाशम एक मूल चिंतक है जिन्होंने भारत की संस्कृति पर रिसर्च किया और बकायदा लिखा। तो आप अद्भुत भारत की बुक मैं आपको बता दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी। लिखिए क्या क्या विषय हमें जो पढ़ना है। नंबर एक, पहला प्राचीन भारतीय कला, हेडिंग डाल लीजिए नंबर एक प्राचीन भारतीय कला, वास्तुकला, वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत, और सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत, के अंतर्गत क्रम से लिखिए अब क्या क्या है, ए बी सी डी करके डाल लीजिए अब, के अंतर्गत नंबर एक सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे पहले, सिंधु घाटी सभ्यता, संस्कृति, नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता, संस्कृति, नगर नियोजन, मुहरे, मुहरे महत्वपूर्ण नगर और प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण नगर और प्रमुख विशेषताएं। नेक्स्ट बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक संस्कृति। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्धिक वैदिक संस्कृति। नेक्स्ट प्राचीन भारत में कला, प्राचीन भारत में कला और वास्तुकला के विभिन्न संप्रदाय, प्राचीन भारत में कला और वास्तुकला के विभिन्न संप्रदाय जैसे कुषाण, गंधार आदि, कुषाण, कुषाण, गंधार आदि। प्राचीन भारत में कला वास्तुकला के विभिन्न संप्रदाय जैसे कुषाण, गंधार कला आदि। ग्रीक और रोमन शैली का प्रभाव, गंधार कला में ग्रीक और रोमन शैली का प्रभाव ये भी देखेंगे। ग्रीक, ग्रीक मतलब यूनानी, ग्रीक एवं रोमन शैली का प्रभाव। अगला क्वेश्चन में अगला लिखिए, प्राचीन भारत में संगम साहित्य और उसके महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धियां ये भी पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में संगम साहित्य और उसकी साहित्यिक उपलब्धियां। नेक्स्ट अगला पॉइंट है नंबर दो, पॉइंट नंबर, ये पॉइंट नंबर, नंबर एक का एबीसीडी करके लिख लिया आपने, अगला पॉइंट लिखिए, मध्यकालीन भारत में सूफीवाद, मध्यकालीन भारत में सूफीवाद। हाँ, मध्यकालीन भारत में सूफीवाद और भक्ति आंदोलन, अन्य सामाजिक धार्मिक विचार, अन्य सामाजिक धार्मिक विचार। संप्रदाय, उनका समाज पर प्रभाव, उनका समाज पर प्रभाव। नेक्स्ट मध्ययुगीन भारत में, अगला पॉइंट है मध्ययुगीन भारत में मंदिर वास्तुकला, मध्ययुगीन भारत में मंदिर वास्तुकला और उसके साथ जुड़े अन्य कला के रूप, मंदिर वास्तुकला और उसके साथ जुड़े अन्य कला के रूप अर्थात मूर्तिकला, चित्रकारी आदि।
मूर्ति कला, चित्रकारी आदि। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए, आधुनिक काल में कला के सभी रूप। आधुनिक काल में कला के सभी रूप। आधुनिक काल में कला के सभी रूप। भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण का प्रभाव। भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण का प्रभाव, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। ठीक है, ये इतना टॉपिक मैं लेके चलूँगा। अब ये आपको लग रहा होगा छोटा है, बड़ा, एक एक टॉपिक को उठाऊँगा। शुरुआत में करूँगा सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, पहले हड़प्पा सभ्यता यदि लूँगा तो फिर उसके सभी दृष्टिकोण, सभी प्रोस्पेक्टिव को एक साथ देख लेंगे, कुछ नहीं छोड़ के चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर मैं वैदिक सभ्यता उठाऊँगा, फिर जैनिज्म, बौद्धिज्म, फिर इसके बाद मौर्यकाल, मौर्यकाल में क्या क्या था, एक एक मैं आपको, देखो आपका एक काम रहेगा, एक काम ये रहेगा कि आपको पर्टिकुलर जब मैं कोई स्थान लिखाऊँ, प्लेस लिखाऊँ, नेट पे उसे सर्च करना है, देखना है, कल्चर को याद करना चाहते हो आप। देखो मेरे, मुझे जो अभी याद है या फिर जो कुछ भी है, हर चीज़ को इमेज के रूप में मैंने देखा है। आप जाइए नेट पे, जैसे मैं आपको बोलूँ दीदारगंज की अच्छी है ना, तो दीदारगंज की अच्छी आप नेट में सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि एक प्रतिमा खुल के आ जाएगी आपके सामने। जैसे मैं आपको बोलाऊँ बराबर की गुफाएं, लोमस ऋषि की गुफा, आप नेट पे सर्च कीजिए आपको गुफा आ जाएगी। तो आप जो है इन सब चीज़ों को नेट पे एक बार सर्च, गूगल सर्च जरूर करेंगे ताकि आप इनकी इमेजेस को अपने पास देख लें। ये काम मैं आपको दूंगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, होमवर्क में रहेगा ये काम। बाकी मेरा काम रहेगा कि आपको हर चीज़ को क्रमबद्धता से पढ़ाना, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कल के लिए। हेडिंग डाल लीजिए संस्कृति, संस्कृति और सभ्यता, बस इतना डाल लीजिए, छोड़ दीजिए। मैं कल आपको संस्कृति और सभ्यता को समझाते हुए, उसका लिखवाते हुए, बता तो मैंने आज भी दिया लेकिन कल लिखवा दूंगा, और इसके बाद सभ्यति और संस्कृति में अंतर क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर हड़प्पा संस्कृति से इसकी शुरुआत कर देंगे। ठीक है, चलो कल अभी मिलते हैं, कोई मेरे ख्याल से सब लोग बैठिए, क्योंकि विश्व इतिहास में एक अच्छा टॉपिक है, सब लोग करेंगे, बेनिफिट रहेगा उसका।